हेलो बच्चों, माई सेल्फ पवन कुमार गुप्ता, टीम फिजिक्स, सीएलसी सीकर। तो अब हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारे डीसीएम 4 में सेकंड टेस्ट जो हुआ था आपका फिजिक्स का था। टोटल चौथा डीसीएम था, पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा मैथ्स और वापस फिजिक्स। टोटल 48 टेस्ट आपके होने, 16 हर सब्जेक्ट के, 16 16, और इसमें हम पूरा जेई का सिलेबस कवर करने वाले तीनों सब्जेक्ट का। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपका टेस्ट काफ़ी अच्छे से आपने दिया होगा कंसेप्ट को यूज़ करते हुए। इस टेस्ट में आपका जो टॉपिक कवर किया गया था वो था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं डिस्कशन की। पहला क्वेश्चन जो हमारा है उसमें आपको दो ब्लॉक गिवन है और इसमें आप पे इन दोनों कॉमन सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन पूछा है। देखो बच्चों, यहाँ पर इस पूरे सिस्टम में कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो इस केस में सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 5 - 10 - 5 कितना हो गया, 5, और टोटल मास कितना है, 2। तो यहाँ पर सिस्टम का एक्सेलरेशन जब आप निकालोगे बच्चों, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आएगा, ये आ जाएगा 10 - 5/1+1। टोटल मास कर देंगे, जो भी नॉर्मल लगेगा वो तो सिस्टम में इंटरनल फोर्स होगा ना, तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 2.5। अब 2.5 का जो एक्सेलरेशन है वो दोनों ब्लॉक का है। अब देखो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन जो है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन इस पे और इस पे इस तरह से लगेगा। अब सोचो अगर सरफेस ऐसे हो, वर्टिकल हो, तो उसका नॉर्मल ऐसे होगा, है ना, हॉरिजॉन्टल होगा। सरफेस को अगर मैं हॉरिजॉन्टल कर दूं तो नॉर्मल वर्टिकल हो जाएगा। अब अगर मैं जितना कोण इस जितना एंगल इस सरफेस का बढ़ाऊंगा, नॉर्मल भी वर्टिकल से उतना एंगल बनाएगा। तो देखो ये सरफेस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। तो जो यहाँ पर नॉर्मल इस वर्टिकल से एंगल बनाएगा वो भी 30 बनाएगा, है ना। तो एक बार अपन इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर जो ये ब्लॉक आपको गिवन है, इसमें अगर ये सरफेस हॉरिजॉन्टल होती ना तब तो नॉर्मल वर्टिकल होता। सरफेस का ये एंगल आपको 30 गिवन है, इसका मतलब नॉर्मल भी यहाँ से वर्टिकल से 30 डिग्री बनाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ से कितना फोर्स लग रहा था इस पे, 5 न्यूटन। इधर से नॉर्मल का ये कंपोनेंट कितना आएगा बच्चों, ये कंपोनेंट आ जाएगा n sin 30। तो n sin 30 में से 5 न्यूटन करने के बाद इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे ब्लॉक को एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, 2.5। इसका मतलब n sin 30 - 5 = कितना हो गया बेटा, 1 into a। भाई बेसिक कंसेप्ट क्या होता है हमारे पास, f net = m into a। तो यहाँ पर ये हो जाएगा n/2 = 5 + 1 × 2.5, कितना हो गया, 7.5। अब 7.5 किसकी वैल्यू है, n/2 की, तो n कितना हो जाएगा, 15। देखते हैं बच्चों अपना कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। तो ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सा आपने इस ब्लॉक का मैंने FBD वापस यहाँ बना दिया, ये 1 kg वाले ब्लॉक का, है ना। तो एक बार आप सॉल्यूशन नोट करें बच्चों इसको, ओके। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको टेंशन की वैल्यू बतानी है जब सारे ऑब्जेक्ट आपने इस तरह से प्लेस किए हुए हैं। देखो बच्चों यहाँ पर और यहाँ पे कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो देखो इस केस में सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है ना, तो अपन सबसे पहले इस वाले का FBD बनाते हैं। इसमें देखो mg sin θ नीचे आएगा और sin θ कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो mg sin θ को कौन बैलेंस करेगा, टेंशन, ठीक है। इसी तरह से mg cos θ को कौन बैलेंस करेगा, ये करेगा नॉर्मल, ठीक है। ये तो अपन ने किसका, इस बड़े वाले का FBD बना दिया। फिर इसके बाद जो नीचे वाला ट्राइंगुलर पीस है इसकी बात करते हैं। तो इस ट्राइंगुलर पीस में देखो ये जो नॉर्मल ऊपर लगाया उतना ही इस पे भी लगेगा, क्योंकि ये जो नॉर्मल है ये इन दोनों की कॉन्टेक्ट सर्फेस ऐसे लगाएगी ना नॉर्मल, तो इधर से इधर और इस वाली पे इधर। तो ये जो नॉर्मल अब इस पे लगा उसका एक कंपोनेंट आएगा इधर, कौन सा बेटा, n sin θ। ये कौन सा वाला 30 है, ये बेसिकली ये वाला 30, ठीक है। तो ये n sin θ यहाँ पर आ गया और n sin θ, अब इस ये n sin θ जो है वो पीछे की तरफ लग रहा है ना, तो ये इस ट्राइंगुलर वेज को पीछे खिसकाना चाहेगा। पीछे जाने से रोकने के लिए हमने क्या करा, आगे टेंशन लगा दिया। इसका मतलब टेंशन किसको बैलेंस करना चाहिए, n sin θ को, तभी तो ये ट्राइंगुलर पीस जो है वो रेस्ट पे रहेगा। तो ट्राइंगुलर पीस रेस्ट पे रहे उसके लिए ये टेंशन इस n sin θ को बैलेंस करना चाहिए। और n की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, इस वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, n = mg cos θ, है ना। तो यहाँ पर n की वैल्यू लिख दो mg cos θ और sin θ, हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया अपने पास। तो इस केस में कितना आ जाएगा, mg √3/2 और 1/2,
तो ये हो जाएगा मेरे पास रूट थ्री बाई फोर एम जी। तो ये मेरा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इजीली आपको यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाले ब्लॉक का एफबीडी बना था और उसके बाद फिर आपको ट्रायंगुलर वेज का एफबीडी बनाना है और दोनों एफबीडी में आपको नेट फोर्स जीरो करने। ओके बच्चों, चलिए नोट करिए सॉल्यूशन को, नेक्स्ट पे आते हैं फिर हम। अगले क्वेश्चन में आपको ये पूरा सिस्टम जो है वो रेस्ट पे दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन है इसमें और यहाँ पे आप फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है 0.3, है ना। देखो सबसे पहले ये वाले ब्लॉक को देखें तो इस वाले ब्लॉक में टेंशन T1 मान लेते हैं, ठीक है। ये टेंशन T1 किसको बैलेंस करेगा, इस 0.2 के वेट को, ठीक है। तो 0.2 kg का वेट, तो 0.2 into g इतना होगा mg की वैल्यू। तो T1 किसको बैलेंस करेगा, 0.2g को, है ना। अब देखो यहाँ का टेंशन अगर मैं T2 मानता हूँ तो T2 के दोनों कंपोनेंट इक्वल आएंगे, क्यों, क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री बन रहा है। तो T2 बाई रूट 2 और ये भी आएगा T2 बाई रूट 2। ये आ जाएगा T2 का कॉस कंपोनेंट, वो आ जाएगा साइन कंपोनेंट। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं टेंशन मान लेता हूँ T3, ठीक है। अब ये T2 का कॉस कंपोनेंट जो है और इसको मैं टेंशन को T3 मान लेता हूँ। देखो अब यहाँ पर इस वाली रस्सी में ये T2 बाई रूट 2 इसको इधर से T3 बैलेंस करेगा, है ना। तो T3 कितना होना चाहिए T2 बाई रूट 2 के, और इधर से T1 को कौन बैलेंस करेगा, T1 को इधर T2 बाई रूट 2 बैलेंस करेगा, तो ये भी T1 आ जाएगा। तो T1 जो है वो भी T2 बाई रूट 2 के इक्वल है, T3 जो है वो भी T2 बाई रूट 2 के इक्वल है। तो इसका मतलब मेरे पास ये बोल सकता हूँ कि जो T1 है और जो T3 है वो भी आपस में इक्वल रहे होंगे, एक तो इक्वेशन ही आ जाएगी। अब T1 किसको बैलेंस करेगा, T1 बैलेंस करेगा 0.2g को, इधर से T3 किसको बैलेंस करेगा, T3 बैलेंस करेगा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को, है ना। तो अब इस केस में फ्रिक्शन की मैक्सिमम या फ्रिक्शन वैल्यू जो है यहाँ पर जितना ही फ्रिक्शन लग रहा है उसको, तो फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.2g इज Fs, है ना। तो T3 है फ्रिक्शन के बराबर और इधर से T1 है 0.2g के बराबर, T3 जो है वो भी T2 बाई रूट 2, T1 है वो भी T2 बाई रूट 2, इसका मतलब 3T3T1 बराबर और इसका मतलब Fs और 0.2g भी बराबर। तो इससे अपना आंसर आ जाएगा Fs इक्वल्स टू 0.2 इंटू जी, जी की वैल्यू 9.8, 9.8 को आप 0.2 टाइम्स करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2 इंटू 9.8 और ये आएगा आपके पास 1.96। ओके बच्चों, तो इजीली अपना यह आंसर बन रहा है, सिंपल इक्विलिब्रियम का एक और क्वेश्चन ये। नोट करें बच्चों इसका सॉल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन तो आपका पिछले क्वेश्चन का आंसर जो है वो बन जाएगा अपना ये थर्ड ऑप्शन, है ना। उसके बाद अपना आता है फोर्थ क्वेश्चन में। देखिए बच्चों आपको M1 का एक ब्लॉक गिवन है, है ना। M1 मास का एक ब्लॉक A है, ये M1, M2 B का मास है, है ना। फिर इसके बाद दोनों जो है वो आपको एक सरफेस पे रखे हुए, सी सरफेस पे, और यहाँ पे आप इस पे फोर्स लगा रहे हो। हर सरफेस के बीच में, है ना, यहाँ बोला प्रत्येक दो सतह के मध्य गतिक घर्षण गुणांक म्यू के है, ठीक है। तो आपको काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, तो आपको बताना है कैलकुलेट द फोर्स एफ अप्लाइड ऑन बी, इस एफ की वैल्यू बतानी है ताकि दोनों जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर सकें। देखो यूनिफॉर्म स्पीड होने का मतलब स्पीड या वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही है, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, नेट फोर्स जीरो होना। तो यूनिफॉर्म स्पीड होने का मतलब है एफ नेट जीरो। अब एफ नेट जीरो होने का मतलब दोनों पे ही नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले इस ए को देखते हैं, ए को चलाने का काम कौन करेगा, टेंशन। भाई अपन यहाँ से इस ब्लॉक को खींचेंगे, ये ब्लॉक बी इस रस्सी को खींचेगा, रस्सी इस ए को खींचेगी, तो इसको चलाने का काम करेगा टेंशन, उसको कौन बैलेंस करेगा, F1 मान लेते हैं ए और बी के बीच के फ्रिक्शन को, ठीक है। अब ये टेंशन और F1 इक्वल होना चाहिए, F1 कितना हो जाएगा म्यू के और M1g, ये तो मेरी पहली इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से बी के लिए देखें तो बी पे देखो कितना फोर्स बैलेंस करवाना मुझे, इधर पीछे से T2 लग रहा है, T लग रहा है। अब देखो इस ए पे फ्रिक्शन अगर आगे है तो इस ए की वजह से बी पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ, एक्शन रिएक्शन होता ना F1, और जब ये बी आगे जाना चाहेगा तो जमीन इस पे फ्रिक्शन किधर लगाएगी, पीछे की ओर, तो ये फ्रिक्शन F2, इसको F2 नाम देते हैं और आगे लग रहा है F, इस पे भी नेट फोर्स जीरो। इसका मतलब क्या होगा बेटा, F जो है उसको कौन कौन बैलेंस करेगा, F1 प्लस T
प्लस एफ टू। अब टी और एफ वन तो इक्वल थे, कितना था ये, तो ये हो जाएगा मेरे पास ट्वाइस ऑफ एफ वन प्लस एफ टू। तो ट्वाइस ऑफ एफ वन की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, म्यू के एम वन जी। इसी तरह से मेरे पास जो F2 की वैल्यू आएगी, F2 में देखो नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इस सरफेस की वजह से इस पे कितना नॉर्मल लगेगा, इन दोनों के वेट की इक्वल, तो नॉर्मल यहां हो जाएगा म्यू के टाइम्स ऑफ M1 प्लस M2 G। हो गया। तो अब यहां पे सॉल्व करो, देखो M1 कितनी बार है, दो और एक तीन बार, तो म्यू के 3 M1 प्लस M2 कितनी बार है, एक बार ये जी। तो मेरा फाइनली आंसर कौन सा बन रहा है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये अपना फर्स्ट ऑप्शन इसमें आ जाएगा, ये भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है लेकिन फ्रिक्शन के साथ। ओके बच्चों, तो यहां पर सिस्टम मूविंग है और उसके बाद आपको फोर्स इक्विलिब्रियम बताना है। ध्यान रखना जब भी फोर्स का इक्विलिब्रियम होता है तो ये जरूरी है कि सिस्टम हमेशा रुका हुआ ही रहे, मूविंग सिस्टम में भी फोर्स का इक्विलिब्रियम हो सकता है, बस ध्यान रखना वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। ओके बच्चों, नोट करें सॉल्यूशन को। नेक्स्ट आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में वापस ए और बी के मास आपको दिए हुए हैं, ए का मास दिया हुआ है 10, बी का मास दिया हुआ है 5, सी का वह मिनिमम मास बताना है ताकि ए को फिसलने से रोक सके, है ना। तो इसका मतलब यहां से देखो कितना फोर्स चलाने का काम कर रहा है, सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों। जी की वैल्यू कितनी लेनी है, नहीं दी इन्होंने, कोई बात नहीं, अपन जी रख देते हैं। 5g जो वेट है वो इस सिस्टम को चलाने का काम कर रहा है, रोकने का काम कौन करेगा, फ्रिक्शन। तो इसका मतलब यहां पर सिस्टम स्टेबल रहे उसकी कंडीशन क्या है, कि चलाने वाला फोर्स रोकने वाले फोर्स से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब 5g जो है वो लेस देन होना चाहिए किससे बेटा, एफ एस मैक्सिमम से, तभी तो सिस्टम रुका हुआ रहेगा। तो ये हो जाएगा 5g लेस देन या इक्वल्स टू, है ना। तो इस केस में ये मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन लिखेंगे, म्यू कितना है, म्यू एस, और नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ सी जी। ये आ गया मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, जी से जी तोड़ा दो तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस कितना बेटा 0.2, एम ए और एम बी, एम ए आपको दिया हुआ है 10 और सी का मास तो आपको बताना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 10 को इसको लिखो 1/5, 1/5 को देखो 25, तो यहाँ एम सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15, मतलब कम से कम आपको सी का मास कितना रखना पड़ेगा बच्चों, 15 kg। तो ये अपना फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, ये फिफ्थ क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, नोट करें। सिक्स्थ में आपको बोला है कि कितने मिनिमम वैल्यू हो फोर्स की ताकि ये जो ब्लॉक है वो चले नहीं। देखो सबसे पहले तो ये फोर्स की वैल्यू पूछिए, म्यू एस आपको दिया हुआ है, इस फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा एफ कॉस 60 जो चलाने का काम कर रहा है, एफ साइन 60 जो इसमें ऑब्जेक्ट को प्रेस करवा रहा है, साथ में एम जी भी प्रेस करवा रहा है। नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा बच्चों, इस एफ साइन थीटा और एम जी दोनों को बैलेंस करेगा। अब चलाने वाला फोर्स ये है तो रोकने वाला फोर्स कौन सा है, एफ एस, है ना। तो यहां पर नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा मिलकर के सबसे पहले तो एम जी को, सॉरी नॉर्मल जो है वो एफ साइन थीटा प्लस एम जी दोनों को बैलेंस करेगा, है ना। एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन आएगी मेरे पास एफ कॉस थीटा, एफ कॉस 60 जो है वो ज्यादा होना चाहिए, ये भी 60 लिख दो, एंगल थीटा तो 60 है ना। अब यहां पर एफ कॉस 60 जो है वो ज्यादा होना चाहिए किससे, एफ एस मैक्सिमम से, ताकि ये चलने लगे, है ना। अच्छा अपन को चलाना नहीं है तो कितना f की मैक्सिमम वैल्यू हो ताकि ना चले, ना चले उसकी कंडीशन क्या है, लेस देन इक्वल्स टू। तो f cos 60 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए f s मैक्सिमम से ताकि ना चले, बट जस्ट इक्वल भी होगा ना तो भी रोक लेगा। तो अब इस केस में f cos 60 यानी कि f by 2, f s मैक्सिमम कैसे निकालेंगे बच्चों, म्यू इंटू एन, तो ये हो जाएगा मेरे पास f by 2। म्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, म्यू आपको दिया हुआ है 1/2√3 और n कितना आ जाएगा यहाँ पर, n आ जाएगा मेरे पास f sin 60 यानी कि f रूट 3/2 प्लस mg, मास कितना दिया हुआ है इन्होंने √3, तो ये आ जाएगा √3 और g की वैल्यू कितनी है 10।
तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा बच्चों, तो 2 से अब यहां पर थोड़ा सा पहले अपन और सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलो मैं स्लाइड चेंज करता हूं, है ना, ये तो अपने रिलेशन आ गया ना। अब यहां पे देखते हैं अपन आगे, तो f cos 60, f cos 60 मतलब f by 2 है ना, लेस देन इक्वल्स टू म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी अपने पास, म्यू की वैल्यू अपने पास 1/2√3, एन की वैल्यू एफ साइन 60 एफ √3/2 प्लस एम जी √3 और 10, ये आ गया। अब इसमें आपको कैलकुलेशन सॉल्व करनी है बस, तो चले अपन करते हैं एफ बाई टू माइनस एफ √3 से √3 कटेगा एफ बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू √3 से √3 कटेगा 5, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास एफ बाई 4, तो ये आ जाएगा एफ लेस देन इक्वल्स टू 20। तो इस केस में 20 न्यूटन जो है वो कम से कम फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए ताकि ये सिस्टम जो है वो रेस्ट पर रहे। तो अपना ये आंसर क्या आ जाएगा इसमें, 20 न्यूटन। ओके बच्चों, तो ये आपका 6th क्वेश्चन, नोट करें एक बार। बच्चों हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि एक प्लैंक के 10 किलो का उसके ऊपर एक 5 केजी का ब्लॉक है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.5 है, 60 न्यूटन फोर्स अपन ने 10 किलो पे लगाया हुआ है, ओवरऑल सिस्टम रेस्ट में। देखो जो भी फ्रिक्शन लगेगा वो सिस्टम का इंटरनल है, एक्सटर्नल तो कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है ना, इसका मतलब इस सिस्टम को जो भी एक्सेलरेशन मिलेगा वो हो जाएगा 60 बाई टोटल मास। सबसे पहले देखते हैं फ्रिक्शन किसको चलाने का काम कर रहा है, 10 केजी के 5 केजी के ब्लॉक को, 5 केजी का मोशन केवल और केवल फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि आप 60 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो तो इनका कॉमन एक्सेलरेशन रिलेटिव वाला कितना होगा, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें मैक्सिमम फोर्स कितना लगाएं ताकि दोनों साथ साथ चले, पहले वो फोर्स निकालना पड़ेगा। उसके लिए ये देखो बेटा कि कौन है जो केवल और केवल फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है, 5 केजी पे हमने फोर्स नहीं लगाया, 5 केजी केवल फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है, तो यहाँ पे इसको चलाने का काम करेगा फ्रिक्शन, है ना, स्टैटिक, अगर साथ साथ चल रहे हैं तो स्टैटिक और अलग अलग चल रहे हैं तो काइनेटिक, और यही फ्रिक्शन इस पे पीछे भी लग जाएगा 10 किलो पे। अब देखो इस 5 केजी को एक्सेलरेशन केवल फ्रिक्शन की वजह से मिलेगा, तो एफ एस इज मास ऑफ, इसको अपन ऐसा करते हैं ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, तो यहाँ पर मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। अब एक्सेलरेशन ऑफ ए की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, एफ एस मैक्सिमम डिवाइड बाय मास ऑफ ए। एफ एस मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू एम जी, तो 0.5 एम जी डिवाइड बाय एम से एम खत्म, तो आ जाएगा 5। मतलब 5 का कॉमन एक्सेलरेशन दे सकते हो तब तक दोनों साथ साथ चलेंगे। अब चेक करते हैं यहां पूरे सिस्टम को कितना एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो यहां पर जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है बेटा वो है 60/10+5, दैट इज ओनली 4। तो यहां पर 4 जो है वो सिस्टम का एक्सेलरेशन है और 5 ए का मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है। याद रखना यहां मैक्सिमम एक्सेलरेशन की लिमिट केवल ए पर होगी, बी पर नहीं। क्यों? क्योंकि बी को तो मैं कितना भी एक्सेलरेशन दे सकता हूं बाय इंक्रीजिंग दिस फोर्स। तो यहां पर जो सिस्टम को कॉमन एक्सेलरेशन मिल रहा है वो 4 मिल रहा है, 4 एक्सेलरेशन जो है वो ए के एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू से तो कम है ना। मतलब यहां पर ये हुआ कि दोनों ब्लॉक जो है वो एक साथ चलेंगे, तो यहां पर सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो लेस देन है एक्सेलरेशन ऑफ ए की मैक्सिमम वैल्यू से। इट मींस मूव टुगेदर, और जब दो ब्लॉक साथ साथ चल रहे हो तो उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन हम कितना बोलेंगे बच्चों, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन, पूछा ना आपसे सापेक्षिक त्वरण, फाइंड रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0, तो योर आंसर विल बी 0। ओके बच्चों, नोट करें एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लें। देन आता है हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में आपको बोला है 4 केजी का मोमेंटम आपको दिया हुआ है और आपको t0 पर वेलोसिटी 0 है, तो आपको t4 सेकंड पर वेलोसिटी बतानी। सिंपल सी बात है बेटा, मोमेंटम क्या होता है, 4 × t³ दिया हुआ है, ये हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी 4 × t³। अब यहां मास की जगह रख दो 4v4t³, 4 से 4 कदम तो v, t की वैल्यू डालो, t कितना दिया इन्होंने, t दिया हुआ है 4 सेकंड, तो 4³, 4³ कितना हो जाएगा बेटा 64, तो यहां पर वेलोसिटी आ जाएगी 64 मीटर पर सेकंड। कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देन 9th क्वेश्चन आता है। 9th क्वेश्चन सिंपल एक कंस्टेंट का एप्लीकेशन है,
ये बोल रहे हैं छोटा ब्लॉक जब एक मीटर नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड होती है ना। तो इसकी वेलोसिटी, छोटे ब्लॉक की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। अब ये बोल रहे हैं कि कैपिटल एम की इस क्षण चाल बताइए, इस टाइम पे जब इसकी वेलोसिटी 1 है उस वाले की वेलोसिटी कितनी है। मैं मान लेता हूं कि इसकी वेलोसिटी वी रही होगी। अब सिंपल सा यहाँ पे स्प्रिंग कंसेंट लगा दें। देखो इस रस्सी के कितने पार्ट है, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। तो एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। ये एम ब्लॉक जितनी स्पीड से नीचे आएगा उतनी स्पीड से पुली भी नीचे आएगी। पुली नीचे आएगी तो ये दोनों हिस्से भी उतनी 1 की स्पीड से नीचे आएंगे ना। तो इन दोनों हिस्सों के नीचे आने की स्पीड है 1। ये सिरा तो फिक्स है तो इसकी स्पीड 0। ये पुली फिक्स है तो इन दोनों एंड्स की स्पीड 0। ये ब्लॉक जब नीचे आएगा तो ये ब्लॉक आगे जाएगा ना, इसकी वेलोसिटी कितनी है v। अब देखो जो लंबाई बढ़ाने का काम करता है वो होता है पॉजिटिव। लंबाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं ये दोनों 1 की वजह से इन दोनों हिस्सों की लंबाई बढ़ेगी। तो जो लंबाई बढ़ाता है वो पॉजिटिव, तो प्लस वन। और जो लंबाई घटाता है वो नेगेटिव, तो ये वी को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव, और टोटल 0 की इक्वल, क्योंकि ओवरऑल लेंथ की जो है रस्सी की वो चेंज नहीं होगी। तो इस वजह से यहां पर मेरे पास वी की वैल्यू आएगी 2। तो क्या हो गया बेटा मेरा आंसर, सेकेंड ऑप्शन 9th का, है ना। सिंपल कंस्टेंट की एक लाइन की इक्वेशन लिखनी थी बस इसमें। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन में आपको बताना है एक 150 का एक प्रिज्म रखा हुआ है। प्रिज्म मतलब रेक्टेंगुलर प्रिज्म है ये। आपको 50 न्यूटन टेंशन वाली रस्सी से इसको अपन ने बांध दिया। रस्सी ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल है, तो आपको इसमें मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट बताना है। चलो अब यहाँ पे 150 न्यूटन भार दिया हुआ है इसका, तो अपन एक बार इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखो इस पे वेट कितना दिया हुआ आपको, 150। इस 150 का जो कंपोनेंट आएगा बेटा वो दोनों डायरेक्शंस में कितना कितना आएगा, ये आ जाएगा 150/√2 यानी कि 75√2। ये भी आ जाएगा मेरे पास 75√2, है ना, इसका x और y कंपोनेंट। अब इसके बाद इसमें ये जो फोर्स है वो कितना दिया हुआ इन्होंने, 50 न्यूटन टेंशन है ना रस्सी का। तो 50 न्यूटन के भी दो कंपोनेंट करता हूं मैं। एक तो आएगा इसके पैरेलल 50/√2 यानी कि 25√2, और ये आ जाएगा ये भी 25√2। अब देखो ये दोनों कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, ये 25√2 और ये 75√2 इस ब्लॉक को सरफेस की तरफ प्रेस करवा रहे हैं। तो इन दोनों को कौन बैलेंस करेगा बेटा, नॉर्मल। तो नॉर्मल आ जाएगा मेरे पास mg cos थीटा प्लस f, या टेंशन बोल दो इसको, है ना। तो f, और ये एंगल कितना है, 45 है ना, तो ये आ जाएगा f sin 45। तो ओवरऑल ये मेरा आंसर आ जाएगा 75√2 प्लस 25√2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 100√2। तो ये तो आएगा नॉर्मल की वैल्यू। अब ये नॉर्मल जो है वो फ्रिक्शन क्रिएट करने का काम करेगा फिर यहां पर। अब देखो 75√2 जो है उसको बैलेंस करने में 25√2 मदद तो कर रहा है, लेकिन अब 25√2 ये है, 75√2 ये, मुझे केवल यहां फ्रिक्शन बताना है। तो इस ब्लॉक को फिसलने से रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर आना चाहिए बेटा, ऊपर की ओर। तो यहां देखो फ्रिक्शन जो है 75√2 उसको कौन बैलेंस करेगा, 25√2 प्लस fs, है ना। इसका मतलब ये मिनिमम कम से कम इतना फ्रिक्शन तो मुझे मिलना ही चाहिए, तभी तो ब्लॉक रुकेगा। तो इसका मतलब fs ये कौन सा वाला है बेटा, ये मिनिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। तो fs मिनिमम कितना है मेरे पास यहां पर, ये आ जाएगा 50/√2। fs मिनिमम को मैं कैसे लिखूंगा, म्यू इंटू एन, और म्यू देखो fs मिनिमम कब होगा, जब म्यू की वैल्यू में मिनिमम यूज करूंगा। तो म्यू मिनिमम इज 50√2, एन की वैल्यू कितनी, 100√2, उसको डिवाइड कर दो, तो इससे आपके पास म्यू मिनिमम कितना आ जाएगा, 50/√2 डिवाइड बाय 100/√2, दिस इज 0.5। तो इस केस में 0.5 जो है वो मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट होना चाहिए इस ब्लॉक को रोकने के लिए। वापस समझना, ये 25√2 और ये 75√2 ये दोनों क्रिएट करेंगे नॉर्मल रिएक्शन। 75√2 ये वाला फिसलाने का काम कर रहा है, 25√2 रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनसफिशियंट है। तो मुझे इन दोनों के डिफरेंस जितना फ्रिक्शन तो कम से कम चाहिए। तो कितना डिफरेंस आएगा इनका, 50√2, मतलब मुझे कम से कम फ्रिक्शन 50√2 तो चाहिए ही चाहिए। अगर
जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो अगर 50√2 से कम हुई तो फिर हम इसको फिसलने से नहीं रोक पाएंगे। ओके बच्चों, तो अपना म्यू की फिर मिनिमम वैल्यू कितना रहेगी? 0.5, कम से कम म्यू 0.5 तो हो या उससे ज्यादा हो। ओके बच्चों, हमारा अब आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में आपका आता है फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन मतलब 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन में देखिए आपको दो ब्लॉक गिवन है ना, मतलब पैराग्राफ का अपन एक बार रेफरेंस लेते हैं। दो ब्लॉक है, 2 और 3, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। ऊपर वाले ब्लॉक पे हमने फ्रिक्शन लगाया है ना, और नीचे वाले ऊपर वाले ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया। नीचे वाले ब्लॉक को चलाने का काम केवल और केवल फ्रिक्शन की वजह से। हमेशा याद रखो बच्चों, जिस ब्लॉक पे हम फोर्स लगाते हैं ना, उसके एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी भी हो सकती है। जितना आप फोर्स बढ़ाओगे उतना उस पर एक्सेलरेशन मिलता ही जाएगा। लेकिन जो ब्लॉक केवल फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है उसके एक्सेलरेशन की हमेशा एक अपर वैल्यू होती है। क्यों अपर वैल्यू होती है? क्योंकि देखो, फ्रिक्शन की एक अपर वैल्यू होती है। जब फ्रिक्शन ही उसको चलाने का काम कर रहा है और फ्रिक्शन की एक अपर वैल्यू है, तो चलाने वाले फोर्स की अगर एक अपर वैल्यू फिक्स है तो एक्सेलरेशन की भी अपर वैल्यू इसलिए फिक्स हो जाती है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की अपर वैल्यू किसके लिए डिफाइन होगी? 3 kg वाले ब्लॉक के लिए, क्योंकि 3 kg वाले ब्लॉक को चलाने का काम केवल और केवल फ्रिक्शन करेगा। देखो, यहाँ पर जो फोर्स है वो हमने किस पे लगाया? 2 kg ब्लॉक पे। एक बार अपन यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। ये 2 kg का ब्लॉक है, इस पे मैंने फोर्स लगा दिया। ये फोर्स की वजह से 2 kg ब्लॉक आगे चलना चाहेगा। आगे चलना चाहेगा तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस पे ये वाला फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा। ये वाला फ्रिक्शन पीछे लगेगा, वो 2 kg को रोकने का काम करेगा। तो उतना ही F1 3 kg पे आगे लग जाएगा। अब ये F1 क्या हुआ? F1 जो है वो 3 kg को चलाने का काम करेगा। तो फिर ये जमीन पीछे फ्रिक्शन लगा देगी F2। तो देखो, चलाने वाला, रोकने वाला, चलाने वाला, रोकने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ये μ1 और μ2 की वैल्यू गिवन है। μ1 μ2 दिखते ही फ्रिक्शन के क्वेश्चन में हमेशा एक काम कर लिया करो, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल के रखा करो। तो यहाँ पर F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? F1 की मैक्सिमम वैल्यू आएगी μ1 into N1। μ1 0.2, N1 कितना आएगा? 20। G की वैल्यू यहाँ पर 10 लेनी है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.2 into 20, 4 न्यूटन। तो F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 4। इसी तरह से F2 की मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं बच्चों। ये आएगी μ2 N2। μ2 दिया हुआ है 0.06, N2 कितना दिया हुआ है? 3 और 2, 5, 5 into G। तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 मतलब 3 plus 2 G, तो 50 और 0.6, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा मेरे पास 0.6 और 5, तो 3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन यहाँ ये वाला फ्रिक्शन हो जाएगा। तो F1 F2 मैक्सिमम दोनों अपन ने निकाल लिए। अब ये आने के बाद आपको फोर्स किसके रेफरेंस में दिया हुआ है? T/2 के रेफरेंस में। अब देखो, F2 रोकने का काम करेगा। सबसे पहले तो अपन ने जैसे मान लो यहाँ 1 न्यूटन फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, तो ये भी 1 न्यूटन, ये भी 1 न्यूटन, ये भी 1 न्यूटन। F2 मैक्सिमम कितना लग सकता है? 3 न्यूटन तक। तो जब तक मैं 3 न्यूटन लगाऊंगा, सपोज यहाँ 3 न्यूटन लगाऊंगा, तो ये रुका हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है F1 भी 3 रहेगा, इधर ये F1 भी 3 रहेगा और इधर ये वैल्यू भी 3 रहेगी। F एक्सटर्नल 3 आए, उसके लिए T को कितना होना पड़ेगा? 6 सेकेंड। मतलब 6 सेकेंड तक तो कोई मोशन होगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर अब देखो, अपन यहाँ पर केसेस लिखते चलते हैं। जब तक T की वैल्यू 6 सेकेंड या उससे कम रहेगी, तब तक क्या होगा? उस केस में एक्सटर्नल एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन A का भी 0 रहेगा और एक्सेलरेशन B का भी 0 रहेगा इस केस में। जैसे आप 6 सेकंड से ज्यादा टाइम की बात करोगे, तो उस केस में क्या होगा? सपोज आपने 8 सेकंड लिए, 8 सेकंड लिए, तो यहाँ 4 न्यूटन फोर्स लगेगा। ये 4 न्यूटन, तो यहाँ फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लगेगा? 4 न्यूटन। लेकिन अगर ये 4 न्यूटन लग गया, तो ये वाला सिस्टम देखो, इस पे 4 लगाया, इस पे भी 4 लग गया, ओवरऑल तो रेस्ट पे ना। लेकिन यहाँ पर इस पे जैसे ही 4 लगेगा, वो तो उसके 3 से ज्यादा हो गया ना। इसका मतलब जैसे ही आपने यहाँ पर ये 4 लगाया, ये इसकी 3 से ज्यादा है, तो ये सिस्टम को चलाने की कोशिश कर देगा। ओके बच्चों, तो फिर हमें ये देखना है कि ओवरऑल सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा। अब सबसे पहले मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसके लिए डिफाइन होगा? मैक्सिमम एक्सेलरेशन डिफाइन होगा इसके लिए, 3 kg वाले ब्लॉक के लिए। तो अब यहाँ पर मैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू डिफाइन करने के लिए, है ना, वापस इस डायग्राम को समझूंगा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर मुझे डिफाइन करना है 3 kg के लिए, तो एक्सेलरेशन ऑफ 3
इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन डिसाइड करेगा बेटा, चलाने वाला कौन है इसको एफ वन, तो ये हो जाएगा मेरे पास एफ वन मैक्स माइनस एफ टू मैक्स डिवाइड बाई मास ऑफ ए, हो गया। इसको ए माना, इसको अपन बी मान लेते हैं, चलो है ना। तो अब इस केस में ये हो जाएगा मेरे पास एफ वन मैक्सिमम कितना आया था, चार माइनस तीन डिवाइड बाई तीन, वन बाई थ्री। इसका मतलब जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है ए का वो केवल वन बाई थ्री पॉसिबल है साथ चलने वाला, और अगर उसके ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो भी इसको वन बाई थ्री से ज्यादा मिल ही नहीं पाएगा। इसका मतलब वन बाई थ्री अगर ए का मैक्सिमम एक्सेलरेशन है ना, ये ए थ्री मतलब ए, तो इसका मतलब बी भी अगर उसके साथ चलेगा तो उसको भी वन बाई थ्री से ही चलना पड़ेगा। तो इस केस में सिस्टम का जो कॉमन एक्सेलरेशन आएगा साथ चलने वाला, सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन कितना आएगा वो डिसाइड होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू से जो केवल फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है। तो सिस्टम का कॉमन मैक्सिमम एक्सेलरेशन साथ चलने वाला होगा ए के मैक्सिमम एक्सेलरेशन जितना, जो कि कितना है वन बाई थ्री। क्या पूछा था बेटा आपसे कि एक्सेलरेशन की वो वैल्यू बताओ जिससे दोनों ब्लॉक साथ चलेंगे, अपना आंसर हो जाएगा 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन। इसी में ट्वेल्थ में बोल रहे हैं कि फिसलन कब शुरू होगी, फिसलन देखो तब शुरू होगी जब 1/3 का एक्सेलरेशन आप अचीव कर चुके ना, उसके जस्ट बाद फिसलन शुरू हो जाएगी, क्योंकि इससे ज्यादा कॉमन एक्सेलरेशन तो मिल नहीं पाएगा ना। तो अपन ये देखते हैं कि 1/3 का एक्सेलरेशन कब मिलेगा इनको, तो 1/3 का एक्सेलरेशन देखें अपन, तो इसमें ए सिस्टम आपका निकालोगे, तो सिस्टम का जब एक्सेलरेशन निकालना है तो केवल एक्सटर्नल फोर्सेस देखेंगे, सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स एक तो एफ है और एक ये एफ टू है, तो ये हो जाएगा मेरे पास ए सिस्टम मैक्सिमम, है ना, जो कॉमन वाला है वो कितना है मेरे पास एफ माइनस एफ टू मैक्स बाय नेट मास, ये कितना आया था बेटा, एफ की वैल्यू कितनी है टी बाय टू माइनस एफ टू मैक्सिमम कितना है तीन, टोटल मास कितना है तीन और दो पांच, तो ये आ जाएगा मेरे पास फाइव बाई थ्री प्लस थ्री, तो टी बाई टू हो जाएगा फाइव बाई थ्री प्लस थ्री इंटू टू, तो नौ और पांच चौदह तो अट्ठाईस बटा तीन, तो ये आएगा 28/3। मतलब 28/3 वो टाइम है जब इनका एक्सेलरेशन दोनों का कितना है 1/3, और जैसे ही आप 28/3 टाइम से ज्यादा टाइम पे आओगे हाथवां, तब इसमें क्या होगा फिसलन शुरू हो जाएगी। ओके बच्चों, तो इसके बाद फिर इस टाइम तक तो दोनों साथ चलेंगे, है ना, उसके बाद तो 6 से लेकर के 6 के बाद जो 28/3 का टाइम आ रहा है, तो 6 के बाद 28/3 के टाइम तक दोनों साथ साथ चलेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा मूव टूगेदर वाला। और 28/3 के बाद क्या होगा, दोनों जो है वो सेपरेट चलेंगे फिर। तो अगले क्वेश्चन में, तो यहाँ तो पूछा था कि कितने टाइम तक ये साथ चलेंगे, इस क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछ सकते हैं कि कितने टाइम तक साथ चलेंगे तो भी आपका आंसर 28/3, कितने टाइम बाद फिसलन शुरू होगी तो भी आपका आंसर 28/3, है ना। फिर आपका 13 क्वेश्चन जो आता है, इस 13 क्वेश्चन में देखिए बच्चों, आपको ये पूछा है कि 3 kg वाले का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताओ, 6 सेकंड तक तो चल रहा ही नहीं था ये, है ना, तो 6 सेकंड तक तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। 6 सेकंड के बाद 28/3 तक, देखो ये दोनों टाइम दिए हैं, 6 सेकंड के बाद 28/3 तक इसका एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज होगा। 6 सेकंड पे पहली बार चलना शुरू हुआ 28/3 तक, उसका एक्सेलरेशन बढ़ते बढ़ते कितना होगा 1/3, और उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगा। इवन आप यहाँ पे स्मार्टनेस करो ना, तो आपको शुरू के दोनों पार्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ग्राफ्स को देखकर ही बता सकते हो। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन की लिमिट हम किसके लिए डिफाइन करेंगे, That is 3 kg, 3 kg को चलाने का काम केवल फ्रिक्शन कर रहा है, इसलिए उसके एक्सेलरेशन की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इस केस में 3 kg का एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, एक मैक्सिमम वैल्यू रखता है, तो ये वाला ग्राफ देखो गलत हो गया, इसमें तो इंक्रीजिंग कर दिया इन्होंने, ये वाला ग्राफ में भी हमेशा इंक्रीज कर दिया वो भी गलत है, इस वाले ग्राफ में शुरू से ही कॉन्स्टेंट कर दिया जो कि गलत है। तो जैसे ही आप यहाँ से करेक्ट ग्राफ आइडेंटिफाई करोगे ना, आपके बाकी दो पार्ट भी इसी ग्राफ से सोल्व हो जाएंगे कि 28/3 तक देखो ये साथ साथ चला होगा, उसके बाद x का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, मतलब फिसलन शुरू हुई होगी, है ना, इस तरह से। तो ये इजी सा पैसेज था, लेकिन हाँ कंसेप्चुअल था। अगले पे आते हैं, 12th सेकंड पैसेज पे, 14 और 15 क्वेश्चन पे। इसमें आपको देखो एक ब्लॉक दिया हुआ है और आपको ये बोला है कि फ्रिक्शन की f की किस वैल्यू के लिए ब्लॉक जो है वो रेस्ट में रहेगा, और आपको यहां पर फ्रिक्शन जो दिया हुआ है वो 0.5 दिया हुआ है कोएफिशिएंट, है ना।
तो 10 केजी का ब्लॉक आपको दिया हुआ है ना। चलो एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये 10 केजी का ब्लॉक, इसका एमजी नीचे लगेगा, इसमें एफ जो है वो इस तरह से लगाया हुआ है। ये कितना एंगल है? 37। तो इस एफ का कंपोनेंट आ जाएगा एफ कॉस 37, और इधर से आ जाएगा एफ साइन 37, और इधर से ये दीवार जो है इस पे क्या लगाएगी बेटा? नॉर्मल रिएक्शन लगा देगी, है ना। अब ये पूछ रहे हैं कि एफ की किस वैल्यू के लिए ब्लॉक जो है वो रेस्ट में रहेगा, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, सोचो अगर हमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए, बिना फ्रिक्शन के भी हमें इस ब्लॉक को रेस्ट में रखना हो, तो एफ कॉस 37 जो है वो एमजी को बैलेंस करना चाहिए, है ना। इसका मतलब फॉर रेस्ट, और रेस्ट में भी कौन सी कंडीशन की? एफ एस जीरो हो। तो इसका मतलब एफ कॉस 37 जो है वो एमजी को बैलेंस कर देना चाहिए। एमजी कितना दिया बेटा आपको? मास दिया हुआ है आपको इस केस में 10 केजी। तो 10 केजी यहां दिया हुआ है, तो एफ कॉस 37 हो जाएगा 4/5 इज 10 × 10। तो ये हो जाएगा मेरे पास 125। मतलब अगर आप 125 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो उस केस में क्या होगा? बिना फ्रिक्शन के आपके जो फोर्स का कंपोनेंट है वही एमजी को बैलेंस कर देगा, फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। अगर आप फोर्स को इससे ज्यादा करोगे तो ये एफ कॉस 37 बढ़ेगा, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगा। तो अगर इस केस में आपने एफ को 125 से ज्यादा कर दिया तो ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगा, तो फ्रिक्शन किधर आ जाएगा बेटा? नीचे। तो इस केस में फ्रिक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डाउन। तो अब डाउन है तो फ्रिक्शन फिर भी रोकने की कोशिश तो कर रहा है, ऑब्जेक्ट तो रुका रहेगा। तो इस केस में मैं यहां इक्वेशन कैसे बनाऊंगा फिर? एफ कॉस 37 जो है वो एफ एस प्लस एम जी दोनों को बैलेंस करेगा। अब मुझे यहां एफ की मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है, तो एफ एस भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। जैसे जैसे आप इस फोर्स को बढ़ाओगे ये फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बढ़ाना शुरू कर देगा। तो यहां पर जब ये मैक्सिमम होगा तो ये चीज भी क्या हो जाएगी बेटा? मैक्सिमम। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसकी वजह से आएगा? एफ साइन 37 की वजह से। तो ये आएगा एफ मैक्स 4/5। म्यू कितना दिया आपको? म्यू दिया हुआ था यहां पर 0.5। तो म्यू की वैल्यू लिखो 0.5। नॉर्मल कितना आ जाएगा? इस केस में हमेशा नॉर्मल आएगा एफ साइन 37 यानी कि 3f/5 और प्लस mg कितना है मेरे पास? 100। ओके बच्चों, तो यहां पर देखो सॉल्व करेंगे तो अपने पास यहां पर और यहां भी ये एफ मैक्सिमम ही आएगा ना, तो उधर लेके जाओ तो एफ मैक्सिमम 4/5 माइनस 0.5 × 3 कितना हो जाएगा? 3/10, हाँ 3/10 कर दो इसको, तो ये माइनस हो गया, इधर आ गया 100। ये आ जाएगा एफ मैक्स 3/10, तो इसको आप लिखो 8/10, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5/10 यानी कि बाई 2। तो एफ मैक्स हो जाएगा मेरे पास 8/10 माइनस 3/10 7/10, 8 − 3 5/10 100। तो एफ मैक्सिमम कितना हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा 200। तो 200 न्यूटन जो है वो मैक्सिमम फोर्स है जब तक ये अपना ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। 200 न्यूटन मैक्सिमम किस में आ रहा है? 200 न्यूटन मैक्सिमम केवल थर्ड ऑप्शन में आ रहा है ना। तो अपना ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब मिनिमम भी आप चेक कर सकते हो, ऐसा घबराओ मत कि मैंने एक ही चेक करा है। मिनिमम के केस में क्या होगा? देखो जब आप एफ को 25 से ज्यादा करोगे ना तब तो फ्रिक्शन नीचे है, जब एफ 125 से कम होगा ना तो फ्रिक्शन ऊपर लग के बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो एफ अगर लेस देन हुआ 125 से तो फ्रिक्शन किधर हो जाएगा? ऊपर। तो उस केस में इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास? एफ मिनिमम कॉस 37 है ना, ये ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब रोकने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शन भी ऊपर लग के रोकने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन भी जो है वो यहां लिख देंगे हम म्यू इंटू एन इक्वल्स टू एम जी, है ना। तो एफ मिनिमम ये कितना हो जाएगा? F इंटू 4/5 प्लस म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एन तो ये आएगा ना 3/5, तो ये जाएगा 1.5 f/5। ओके, और इधर आ जाएगा 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इजीली यहां पर ये वाला बन जाएगा, थर्ड ऑप्शन। तो इस केस में अपना थर्ड ऑप्शन है कि फोर्स की इस रेंज में ब्लॉक जो है वो रेस्ट में रहेगा,
तो यहाँ पर 125 अगर लगाओगे तब तो बिना फ्रिक्शन के रेस में रहेगा, 125 से ज्यादा लगाओगे, कितना ज्यादा, 200 न्यूटन तक, तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा और फिर वो ब्लॉक को, मतलब फ्रिक्शन और एमजी दोनों फिर ये एफ कॉस 37 से बैलेंस होंगे। अगर आप फ्रिक्शन फोर्स को कम कर देते हो तो फ्रिक्शन ऊपर लग के बैलेंस करने की कोशिश करेगा। ओके बच्चों, तो ये अपना थर्ड ऑप्शन है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले बेटा इसका। फिर इसके बाद इसी में बोला है कि अगर फोर्स 150 हो तो 150 देखो वो तो 125 से ज्यादा है ना, तो फोर्स अगर 150 है तो फ्रिक्शन कितना होगा, देखो 200 न्यूटन तक तो फ्रिक्शन जो है वो रेस्ट में रख सकता था, ठीक है। अब 200 न्यूटन से तो कम ही रखा आपने, 150 रखा, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, लेकिन 125 से ज्यादा है इसका मतलब फ्रिक्शन जो है वो किधर आएगा, डाउन आएगा, तो फ्रिक्शन डाउन आएगा ना। चलो अब अपन इसको 150 के लिए सॉल्व करते हैं ना, तो अब इस केस में जब 150 न्यूटन आप लगाओगे तो देखो 150 न्यूटन आपने यहां लगा दिया, इसका cos 37 कंपोनेंट, तो cos 37 कंपोनेंट कितना आएगा यहां पर, 150 इंटू 4/5, ये कितना हो जाएगा 120 न्यूटन जो है वो ऊपर की तरफ लग के बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। mg कितना है बेटा, mg केवल 100 है, तो फ्रिक्शन भी कितना होना चाहिए, देखो ये चलाने वाला फोर्स बन जाएगा फिर तो, 120 ऊपर की तरफ लग रहा है, mg केवल 100 है, 120 ऊपर और 100 नीचे, तो 20 का डिफरेंस बचा, ये 20 का डिफरेंस कौन पूरा करेगा, फ्रिक्शन, तो यहां पर फ्रिक्शन अब इस ब्लॉक को ऊपर जाने से रोकेगा, तो फ्रिक्शन खुद किधर लग रहा है, डाउन, तो मेरा यहां पर आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन 20 न्यूटन डाउन, 15th का आंसर। ओके बच्चों, तो ये अपना पैसेज 2 और सिंगल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ जो 15 क्वेश्चन थे वो ये कंप्लीट हुए। नोट करें बेटा एक बार सॉल्यूशन यहां तक। बच्चों अपना अगला सेक्शन आता है जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं, चारों यहाँ 10 क्वेश्चन जो है वो मोर देन वन ऑप्शन वाले हैं, तो यहाँ पे आपको एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन मिलेंगे। चलो अपन आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में आपको दो ब्लॉक इस तरह से दिए हुए हैं, θ1 θ2, यहाँ पर एंगल गिवन है, और यहाँ पर ये बोला है कि ये फोर्स जो है वो mg है, और हर ब्लॉक का मास भी कितना बेटा mg है, m के इक्वल है। तो देखो यहाँ पर ये बोल रहे कि पूरा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो आपको θ1 θ2 t1 t2 इनकी वैल्यूज बतानी है। ओके बच्चों, तो एक बार अपन यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये आपको एंगल कितना गिवन है θ2, ये वाला एंगल कितना गिवन है, ये गिवन है θ1। ये टेंशन अगर t1 है तो इस t1 का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा t1 cos θ1, और इधर वाला कंपोनेंट आएगा t1 sin θ1। ये अगर θ1 है तो ये वाला एंगल भी θ1 होगा, फिर ये अगर θ2 है तो इधर से ये एंगल भी θ2 होगा। ये कौन सा फोर्स है बेटा, ये है मेरे पास t2, तो ये देखो t2 दोनों तरफ लगेगा ना, इधर भी लगेगा ऐसे t2, फिर t2 का ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा t2 cos θ2, और इधर से आ जाएगा t2 sin θ2, एक इधर से mg आ जाएगा, इधर से भी mg आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास t2 cos θ2, ये आएगा t2 sin θ2, और ये बन जाएगा इधर मेरे पास F। ये हो जाएगा F=mg, है ना। अब यहां पर देखो आपको ये सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है। सबसे पहले मैं इस ब्लॉक को नाम दिया हुआ है C, तो यहाँ C और इस पे B लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम C का इक्विलिब्रियम चेक करते हैं। C का इक्विलिब्रियम होने का मतलब है X डायरेक्शन में फोर्स इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब t2 sin θ2 जो है वो किसको बैलेंस करना चाहिए बेटा, F, जो कि mg के इक्वल है। इसी तरह से t2 cos θ2 किसको बैलेंस करना चाहिए, इस mg को, तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को जब आप यहां पर सॉल्व करोगे तो ऐसा करो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, तो जब आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे बेटा, 1/2 करोगे तो आपको ये क्या मिलेगा, tan θ2 = 1, mg से mg कट जाएगा ना, तो अपना tan θ2 = 1, एक तो अपना सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आ गया, ठीक है। चलो इसी को अपन क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करते हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा मेरे पास t2 का स्क्वायर, sin स्क्वायर cos स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा mg स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, तो t2 हो जाएगा मेरे पास
रूट टू एम जी हो गया, तो टी टू हो गया मेरे पास रूट टू एम जी और टेन थीटा टू हो जाएगा वन। तो अब मेरा एक तो पहला और चौथा दोनों सही आ जाते हैं। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ ब्लॉक बी के इक्विलिब्रियम की। तो ब्लॉक बी के लिए देखो बच्चों, बी में देखो ये टी टू कॉस थीटा टू ने किसको बैलेंस किया था, एम जी को, और टी टू साइन थीटा टू ने भी किसको बैलेंस किया था, एम जी को। तो ये टी टू साइन थीटा टू तो एम जी जितना है और टी टू कॉस थीटा टू ये भी एम जी जितना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो टी वन साइन थीटा वन किसको बैलेंस करेगा, टी टू साइन थीटा टू को, जो कि एम जी के इक्वल है। तो अब मैं बात करता हूँ ब्लॉक बी की। तो ब्लॉक बी के लिए टी वन साइन थीटा वन किसके इक्वल था, टी टू साइन थीटा टू, और टी टू साइन थीटा टू कितना है, एम टी टू साइन थीटा टू एम जी के इक्वल है। तो ये मेरे पास तीसरी इक्वेशन। इसी तरह से टी वन कॉस थीटा वन किसको बैलेंस करेगा, इस एम जी और इस टी टू कॉस थीटा टू, टी टू कॉस थीटा टू कितना है, एम जी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास टी वन कॉस थीटा वन इज एम जी ये वाला, और ये टी टू कॉस थीटा टू ये भी एम जी जितना है, तो प्लस एम जी। फोर्थ इक्वेशन, अब इन दोनों को आप डिवाइड करो, है ना, तो आप थर्ड में फोर्थ को डिवाइड करो बेटा, तो आपको टी वन से टी वन कटेगा, क्या मिलेगा, टेन थीटा वन इज एम जी बाई टू एम जी वन बाई टू आ गया। तो टेन थीटा वन आ जाएगा वन बाई टू, एंड देन इसके बाद मेरे पास इन दोनों को अगर आप स्क्वायर करोगे तो टी वन कितना आ जाएगा मेरे पास, टू एम जी का स्क्वायर यानी कि फोर एम जी स्क्वायर और एक, तो ये आ जाएगा रूट फाइव ऑफ एम जी। तो ये आ गया मेरे पास रूट फाइव एम जी, तो रूट के बाहर है। ये आ गया मेरे पास T1, तो फाइनली ये मेरे पास T1 रूट फाइव एम जी और टेन थीटा वन आ जाएगा वन बाई टू। देखते कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, तो मेरा पहला सही आ रहा है, दूसरा सही आ रहा है, तीसरा सही आ रहा है और फोर्थ सही आ रहा है, तो चार ऑप्शन मेरे यहाँ पे करेक्ट है। तो सिंपल इक्विलिब्रियम का एक इजी सा क्वेश्चन था, है ना, बस यहाँ पे आपको पूरा इस सिचुएशन को एनालिसिस करना है। सॉल्यूशन नोट करें बेटा इसका, चलो अगले पे आते हैं। अगले में आपको यहाँ पर एम और कैपिटल एम मास का ब्लॉक दिया हुआ है, एक यहाँ पर फोर्स लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखो कहीं कोई इन्होंने फ्रिक्शन की बात तो नहीं करी ना, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट नहीं दिया है, तो समझ जाओ बाय डिफॉल्ट तो अपनी जो सरफेस है वो स्मूथ ही होगी। तो इस केस में ओवरऑल सिस्टम का एक्सेलरेशन, देखो इस सिस्टम में कहीं कोई एक्सटर्नल फोर्स इस एफ को ना तो अपोज कर रहा है ना सपोर्ट कर रहा है, नॉर्मल और एम जी वो तो वाई डायरेक्शन में ना, और ये जो टेंशन लग भी रहा होगा वो इंटरनल है सिस्टम के लिए। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं बेटा, एफ एक्सटर्नल डिवाइड बाय मास नेट, एफ एक्सटर्नल कितना है एम जी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये सिंपल सा मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू बन जाएगी। थर्ड ऑप्शन तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे करेक्ट आ गया। अब जो छोटा ब्लॉक है, छोटे ब्लॉक को देखना बेटा, टी का कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट, ये एक्स डायरेक्शन वाला, कौन सा, कॉस थीटा। अब देखो जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है वो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन है ना, तो इसका भी ए और इसका भी ए, तो इस छोटे ब्लॉक को एक्सेलरेशन किसने प्रोवाइड किया, छोटे ब्लॉक को एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया टी कॉस थीटा ने, तो इसका मतलब टी कॉस थीटा इज एम इंटू ए। क्या मैं ए की वैल्यू डाल सकता हूं, बिल्कुल डालूंगा, तो टी कॉस थीटा टू, टी कॉस थीटा इज एम, और ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, F अपॉन M प्लस कैपिटल M। तो यहाँ पे cos थीटा को डिवाइड कर दो तो ये अपना ऑप्शन बन जाएगा Fm अपॉन M प्लस M cos थीटा। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तो ये मेरा दूसरा ऑप्शन यहाँ दूसरा क्वेश्चन में फर्स्ट और थर्ड दोनों करेक्ट है। ओके बच्चों, सॉल्यूशन नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन थ्री पर। थ्री में आपको बोला है कि ये सिस्टम वापस एक रेस्ट पे, इक्विलिब्रियम के काफी सारे क्वेश्चन यहाँ कंसेप्चुअल गिवन थे, तो अगेन इक्विलिब्रियम का ये क्वेश्चन है। देखो ये जो है ना, ये एकदम रस्सी यहाँ पे आके एकदम वर्टिकल हो जाती है, तो रस्सी का टेंशन अपन टी माने, वो टेंशन टी किसको बैलेंस करेगा, एम जी को। अब यहाँ ध्यान रखना रस्सी में टेंशन थ्रू आउट सेम होता है मासलेस रस्सी में, तो यहाँ जितना टेंशन है उतना ही टेंशन यहाँ भी लग रहा होगा। अब ये टेंशन इसके टू एम जी साइन थीटा कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये ब्लॉक रेस्ट पे रहे तो 2mg cos sin थीटा को कौन बैलेंस करना चाहिए, टेंशन, और इधर टेंशन किसको बैलेंस करना चाहिए, इधर टेंशन बैलेंस करना चाहिए mg को। तो एक तो t की वैल्यू mg आ जाएगी, इस mg की वैल्यू को यहाँ रखोगे तो ये 2mg sin थीटा ये काटो
तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, हाफ, तो थीटा विल बी 30। तो इस केस में बेटा आपका जो यहां पर एक्सेलरेशन मिलेगा थीटा की वैल्यू आएगी 30 डिग्री, एक्सेलरेशन नहीं आएगा सिस्टम रेस्ट में ना, तो अपना एक और थर्ड ऑप्शन भी यहाँ करेक्ट हो जाता है। तो ये भी आपका एक इजी सा क्वेश्चन था इक्विलिब्रियम का, नोट करें बेटा इसका सॉल्यूशन। हम आते हैं अगले फोर्थ पे। फोर्थ में आपको एक सिस्टम गिवन है, आपको एक्सेलरेशन बताना है और आपको यहाँ पर रिएक्शन बताना है पुली का। देखो एक्सेलरेशन जब भी बताना है, देखो चलाने वाला फोर्स कौन सा है, चलाने वाला फोर्स है m1g। रोकने वाला फोर्स कोई है क्या यहाँ पर, फ्रिक्शन होता तो रोकता, फ्रिक्शन तो नहीं है ना, क्योंकि सरफेस के बारे में देखो बोल ही दिया कि सरफेस जो है वो चिकनी है, चिकनी सरफेस मतलब फ्रिक्शन नहीं है, जो भी सरफेस चिकनी है उस पर फ्रिक्शन नहीं होता है। तो इस केस में यहाँ पर मेरे पास ये m1g आ जाएगा। तो अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, चलाने वाला फोर्स कौन है, m1g। क्या रोकने वाला कोई फोर्स है, नहीं, ठीक है, तो केवल चलाने वाला फोर्स। चलने वाला टोटल मास कितना है, m1g प्लस m2g। एक्सेलरेशन का देखो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, f कौन सा, चलाने वाला माइनस f रोकने वाला, भाई चलाने वाले में से रोकने वाले को माइनस करो, डिवाइड बाई टोटल मास लिख दो। सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला, इसमें आपको कोई टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब रस्सी का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन डायरेक्ट एक्सटर्नल फोर्स ही लिखते हैं यहाँ पे, चलाने वाला भी कौन सा एक्सटर्नल और रोकने वाला भी एक्सटर्नल, ठीक है। फ्रिक्शन नहीं है इसलिए इसको अपन ने जीरो कर दिया। तो ये तो अपना बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब इसमें आप ये तो एक्सेलरेशन निकाल लिया अपन ने, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा, m1g m1 प्लस m2। अब इसी में आपसे पूछा है कि रिएक्शन कितना आएगा। देखो अब इतना एक्शन एक्सेलरेशन आ रहा है तो टेंशन, अब इस ब्लॉक की m1 के लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी, f नेट इक्वल्स टू क्या होता है, m into a। देखो इस m1 को चलाने वाला कौन है, m1g। इसको रोकने वाला कौन है, टेंशन। तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सिंपल सा कंसेप्ट आ रहा है समझ में। अब इसमें टेंशन कितना आ जाएगा मेरे पास, m1g माइनस m1a, तो ये हो जाएगा मेरे पास m1g माइनस m1, a की वैल्यू है m1g अपॉन m1 प्लस m2। चलो सॉल्व करते, तो m1 स्क्वायर आएगा, m1 स्क्वायर से m1 स्क्वायर कटेगा, फाइनली ये बचेगा मेरे पास m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। ये टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। अब टेंशन की वैल्यू तो इतनी आ रही है ना, ये यहाँ प्लस है बेटा, अब टेंशन की वैल्यू इतनी आ रही है। अब देखो ये टेंशन जो है वो इस तरह पुली पे ऐसे लगेगा ना दोनों तरफ से। अब पुली का डायग्राम बनाते हैं, पुली पे देखो इधर से टेंशन यू लग रहा है, इधर से टेंशन यू लग रहा है, तो इस टेंशन का इक्विवेलेंट तो इधर आ जाएगा फिर, तो क्या पुली इधर दीवार में घुस जाएगी, नहीं, पुली को कौन बैलेंस करेगा, ये दीवार रिएक्शन फोर्स लगा के बैलेंस करेगी ना, तो ये दीवार ने जो रिएक्शन फोर्स लगाया वो इन दोनों टेंशन के इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। तो रिएक्शन फोर्स जो होगा t² + t² यानी कि √2t, और √2t तो इसी को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो फोर्थ में आपका थर्ड और फर्स्ट दोनों करेक्ट है। सॉल्यूशन नोट करें बच्चों, ये क्वेश्चन के साथ और ये डायरेक्ट सॉल्यूशन है ना, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इनका। चलो अपन अगले पे आते हैं, है ना, ये क्वेश्चन के साथ भी सॉल्यूशन ही रहा। फिफ्थ क्वेश्चन में इस रस्सी का कंसेप्ट है ना। देखो यहां पर जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले देखो कि रस्सी काटने या जिसको भी काटा, काटने से पहले किसमें कितना फोर्स है वो कैलकुलेट कर लो। तो सबसे पहले काटने से पहले की कंडीशन अपन बनाते हैं, ए का वेट कितना है 30, ये यहां स्प्रिंग लगा दी, स्प्रिंग से बी ब्लॉक, बी का वेट कितना है 20। अब देखो काटने से पहले तो पूरा सिस्टम रेस्ट में रहेगा ना, तो इधर जो fs लगेगा वो fs किसको बैलेंस करेगा 20 को, और इधर से जो टेंशन आएगा वो टेंशन किसको बैलेंस करेगा t + fs, है ना। तो देखो t = fs + mag, है ना, और इधर से fs किसको बैलेंस करेगा मास ऑफ bg, तो ये हो जाएगा 20। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू 20 और टेंशन की वैल्यू जाएगी 20 + 30 = 50। ये तो काटने से पहले, अब ये बोल रहे हैं कि आपने जब इसको काटा, किसको काटा, आपने रस्सी को काटा है, रस्सी को काटा, देखो
रस्सी को काटा तो उसका टेंशन, जिसको काटते हैं ना उसका टेंशन हमें काटते ही जीरो हो जाता है, चाहे वो स्प्रिंग हो चाहे वो रस्सी हो, जिसको काटा वो तो खत्म हो गया ना भाई, कट ही गया तो क्या है। अब जो बचा हुआ है, बचे हुए में अगर स्प्रिंग बच रही ना, स्प्रिंग में देखो क्या होता है, जितना इसका एक्सटेंशन या कंप्रेशन है वो हाथों तो चेंज नहीं होगा, आपने जैसे ही काटा काटने के अगले इंस्टेंट पे थोड़ा ना चेंज हो जाएगा भाई, उसको कंप्रेशन या एक्सटेंशन जो भी है उसको चेंज होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, इसीलिए स्प्रिंग का फोर्स चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन यहाँ थोड़े टाइम का बात की बात नहीं कर रहा, वो बोल रहा है काटने के तुरंत बाद क्या होगा, तो काटने के तुरंत बाद इस स्प्रिंग के फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसका मतलब बी पर ऊपर की तरफ अब भी 20 न्यूटन लगता ही रहेगा काटने के जस्ट बाद भी, इसलिए बी पे तो नेट फोर्स कितना हो गया, 20 को इस 20 ने बैलेंस कर दिया, तो बी का नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बी जीरो। ए के एक्सेलरेशन में देखो आपने रस्सी को उड़ा दिया, रस्सी को उड़ा दिया, रस्सी उड़ गई है ना, अब क्या बचा, अब दो फोर्स बचे नीचे की तरफ, ये 30 और ये 20, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, नेट फोर्स बाय मास है ना, तो यहां पर टेंशन कितना हो जाएगा, जीरो काटने के बाद, तो इस केस में हो जाएगा मेरे पास 30 + 20 बाय मास कितना इसका 3, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 50/3, दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ ए। चलो देखते हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए 50/3, एक्सेलरेशन ऑफ बी जीरो, तो ये मेरे पास यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट और थर्ड दोनों इसके करेक्ट हो जाएंगे। ओके बेटा, फिर आते हैं अपने अगले 6 क्वेश्चन पे, इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा एक बार, देन इसके बाद 6 क्वेश्चन में आपको बोला है कि यदि 2m जो है वो स्लाइड कर रहा है स्मॉल m पे, तो आपको एक्सेलरेशन बताना है और टेंशन बताना है ना। देखो इसमें क्या होता है, अगर ये सिस्टम पूरा ऐसे वर्टिकल होता ना, तो अपन फिर वही दो ब्लॉक की एम जी लिखते और टेंशन की इक्वेशन लिखते वो से करते, तो यहाँ पे तिरछा है तो एम जी के बजाय एम जी का कंपोनेंट लिख दो, फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन इजी है। देखो फ्रिक्शन होता ना तो फिर अपन को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती, फ्रिक्शन लेस सर्फेस इज गिवन है। चलो देखते हैं, 2mg sin θ, साइन थीटा भी देखो 30 देखे बहुत आसान कर दिया, तो 2mg sin θ कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एम जी के बराबर, इधर आ जाएगा मेरे पास mg sin θ कितना हो जाएगा mg/2, देखो इसको चलाने का काम कर रहा है mg, इसको चलाने का काम कर रहा है mg/2, तो सिस्टम के लिए कौन सा ज्यादा फोर्स है, mg ज्यादा है ना, इसका मतलब सिस्टम में जो है ये ब्लॉक 2m वाला नीचे आएगा, 2m वाला नीचे आएगा a एक्सेलरेशन से, मान लिया तो उतने ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा, तो इसको कौन खींचेगा ऊपर, टेंशन, और इसको कौन रोकेगा, टेंशन। देखो 2m के लिए चलाने वाला कौन है, mg, रोकने वाला टेंशन, m के लिए चलाने वाला है टेंशन और रोकने वाला है mg/2, तो सबसे पहले 2m की इक्वेशन लिखता हूं, तो mg - t इज 2m into a, पहली इक्वेशन आ जाएगी। स्मॉल m के लिए इक्वेशन लिखता हूं, स्मॉल m को चलाने वाला कौन है, ये वाला टेंशन माइनस mg/2, मैंने बोला था ना चलाने वाला माइनस रोकने वाला इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन m into a। अब दो अननोन, दो इक्वेशन, क्या क्या पूछा है बेटा मुझसे, ये दो चीजें पूछी है, बस फिजिक्स तो खत्म, अब तो मैथ्स बची है, और मैथ्स वाले बच्चे हो तो मैथ्स में तो होशियार हो ही सही आप, है ना, तो फिजिक्स तो केवल इतनी, अभी सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा मेरे पास, दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूं मैं, तो mg - mg/2 2ma + ma, तो a हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा mg/2/3m, दिस विल बी g/6, g/6 यानी कि 10/6, और 10/6 कितना होता है, 5/3 होता है, तो एक्सेलरेशन तो आ जाएगा 5/3, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, चलो मैं फर्स्ट में डाल देता हूँ, फर्स्ट में डालूंगा तो mg - t 2m 5/3, तो t हो जाएगा mg - 10m/3, और ये भी 10m है ना, तो 10m - 10m/3 यानी कि 2/3, तो 20/3, तो इसमें से अपन इसको ऐसा करते हैं mg ले देता हूँ, 2mg/3 है ना, तो 2mg/3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2mg यानी कि 20m/3 है ना, तो इजीली अपना ये आंसर बन जाएगा, g की वैल्यू 10 डाल दो आपका आंसर आ जाएगा, है ना, तो 20m/3 आपका आंसर बन रहा है,
तो अपने कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए बेटा, फर्स्ट और थर्ड। स्क्रीनशॉट ले बेटा इसका एक बार। अगला आता है सातवां क्वेश्चन, आपको बोला है कार्ट बीइंग पुल्ड बाय हॉर्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। अब ये घोड़ा गाड़ी वाला एक केस है ना। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, ड्रॉइंग फिलहाल इतनी अच्छी नहीं है, है ना, तो अपन फिजिक्स समझ रहे हैं वैसे भी, है ना, तो चल जाएगा ड्रॉइंग। अब यहाँ को ये घोड़ा है, घोड़ा कैसे बनाते हैं, चलो मैं घोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ। ये बनाते घोड़ा मान लो, है ना, चल जाएगा ना ऐसा घोड़ा, ठीक है। अब इस केस में अपन फोर्सेस दिखाते हैं। सबसे पहले गाड़ी पे इन्होंने क्या बोला है, गाड़ी पे नॉर्मल लग रहा है, लगा दिया। फ्रिक्शन जो है कार्ट पे ग्राउंड की वजह से पीछे लग रहा है, तो ये एफ सी जी, है ना, ये एफ सी ई बाई अर्थ, ये कौन सा फोर्स है, कार्ट पे अर्थ की वजह से, ये बेसिकली एम जी है। देखो ये कैपिटल एम मान लेता हूं, तो ये बेसिकली वही है, एफ सी ई का मतलब है एम जी, है ना। और एफ सी एच बेसिकली अपन ने ये रस्सी को अपन सीधा मान लेते, चलो है ना, वैसे रस्सी थोड़ी तिरछी होती है पर मान लो सीधा, है ना, तो ये घोड़े से इसे रस्सी बांध रखी अपन ने ना। अब ये कौन सा फोर्स है, ये वही वाला फोर्स है एफ सी एच। अब देखो ये तो किसका डायग्राम था, गाड़ी का। अब घोड़े का डायग्राम क्या बनेगा, घोड़े का डायग्राम बनेगा इधर से एफ एच सी, है ना, फिर नॉर्मल ऊपर लगेगा, घोड़े पे नॉर्मल किसने लगाया, जमीन ने। एफ एच जी ये हॉर्स पे ग्राउंड की वजह से जो फोर्स लग रहा है, ध्यान रखना ये हॉर्स पे ग्राउंड की वजह से फोर्स कौन सा वाला है, ये इसके पैरों पे लगने वाला फ्रिक्शन है। देखो अपन क्या करते हैं, अपन जब चलते हैं ना तो अपन जमीन को पीछे धक्का देते हैं, तो घोड़ा भी चलेगा तो वो भी जमीन को पीछे धक्का देगा। घोड़ा जब जमीन को पीछे धक्का देगा तो जमीन उस पर आगे फोर्स लगाती है, मतलब जब घोड़ा ऐसे पीछे धक्का देता है ना जमीन को, तो उसके पैरों में फ्रिक्शन आगे लगता है, इसीलिए तो घोड़े का पैर या अपना पैर नहीं फिसलता है, है ना, अपन भी तो ऐसे चलते हैं। तो ये जो फोर्स है एफ एच जी, ये हॉर्स पे ग्राउंड की वजह से लगने वाला फोर्स है, बेसिकली फ्रिक्शन है, और ये वाला भी फ्रिक्शन है, ध्यान रखना। और ये जो फोर्स है ना, ये एफ सी एच और ये वाला, ये है टेंशन रस्सी का, जो बीच में रस्सी बंधी होती है ना उसका टेंशन है ये, है ना। और एक और क्या बच गया, ये स्मॉल एम मान लेते हैं घोड़े का मास है, तो ये स्मॉल एम जी, जिसको इन्होंने बोला एफ एच ई, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंडीशन बना के बता दी। अब यहां आपको ऑप्शंस पढ़ने, ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं कि एफ सी जी, एफ सी जी मतलब कि ये वाला, एन सी जी, एन सी जी मतलब कि ये वाला, हाँ ठीक है, ये वाला और ये वाला, एच जी आर एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम कंसिस्टिंग हॉर्स एंड कार्ट। सही बात है, जो दोनों नॉर्मल इन्होंने लिखे, नॉर्मल भी ये वाले दोनों नॉर्मल है ना, और साथ में एफ सी जी, ये जो है ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, साथ में एक एक्सटर्नल फोर्स और एफ एच जी वाला, है ना। चलो ये तीनों तो एक्सटर्नल फोर्स है ही, सही, कर कोई दिक्कत नहीं है। एफ एच जी प्लस एच सी जी, एफ एच जी मतलब कौन सा बोल रहा है, एफ एच जी, एच मतलब हॉर्स, तो एफ एच जी मतलब कि ये वाला, ठीक है। और एफ सी जी, एफ सी जी ये वाला, ये वाला बोल रहा है इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो अगर ये होगा तो ये चलेगा कैसे। अच्छा इसमें बोल दिया कि कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, बिल्कुल सही बात है, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए, तो ओवरऑल इस सिस्टम को चलाने का काम जो करता है ना वो ये वाला फोर्स है, ये है ड्राइविंग फोर्स और ये है रोकने वाला फोर्स, है ना। तो ये रोकने वाला और चलाने वाला, अब रोकने वाला और चलाने वाला अगर इक्वल होंगे तो नेट फोर्स जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो उसके लिए इन दोनों का टोटल जो है वो जीरो आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं। तीसरा बोल रहा है एन सी जी, कार्ट पे ग्राउंड की वजह से जो नॉर्मल लग रहा है वो, और एफ सी जी, एफ सी जी कौन सा वाला इसमें, ये, तो ये बोल रहे हैं कि आर एक्शन रिएक्शन पेयर, ना एक्शन रिएक्शन पेयर तब होता है जब ऑब्जेक्ट, दोनों फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगे, जबकि ये दोनों तो केवल कार्ट पे लग रहे हैं, नहीं एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि दोनों फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स होंगे ये दोनों, देखो एफ सी एच और एफ एस सी, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, क्यों, क्योंकि ये जो बीच में रस्सी बंधी थी ना घोड़े और गाड़ी के बीच में, वो रस्सी का टेंशन है, तो टेंशन तो इक्वल एंड अपोजिट लगता ही है। तो इस केस में मेरे पास ऑप्शन होंगे फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, ओके बेटा, तो नोट करें इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, थ्योरिटिकल सा लगता है लेकिन कंसेप्चुअल है, तो लिखें इसको। फिर आता है अपना आठवां क्वेश्चन,
आठवें क्वेश्चन में बोला है कि एक ब्लॉक को अपन ने तख्ते पे रखा हुआ है ना, तो और बाद में इस तख्ते को अपन जो है और इसमें एक तो कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा है और एक एम जी लग रहा है, उसके अलावा कोई भी फोर्स नहीं, और किसी भी एंगल पर आप इस इंक्लाइन प्लेन को रख सकते हो। तो यहाँ पर ये इस तरह का एक थीटा एंगल रहा होगा है ना, और ये एम मास का ब्लॉक रहा होगा, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो इतने हैं, सबसे पहले देखिए बच्चों थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है ताकि ऑब्जेक्ट ना फिसले। हम यहाँ पे बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज की, तो जो एंगल ऑफ रिपोज होता है टेन थीटा आर, वो होता है अपने पास म्यू एस के इक्वल, इतने होता है ना, यानी कि थीटा आर होता है टेन इनवर्स म्यू एस। अब इस केस में ये थीटा आर हो जाएगा टेन इनवर्स म्यू एस। अब अगर मान लो थीटा की वैल्यू थीटा आर से कम हो है ना, रिपोज एंगल से अगर कम हो तो क्या होता है बेटा, थीटा की वैल्यू अगर थीटा आर से कम हो तो ध्यान रखना कभी भी ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगा है ना। तो इस केस में नो स्लाइडिंग, अगर स्लाइडिंग नहीं होगी तो इस केस में स्लाइडिंग तो नहीं हो रही ना, तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन है वो केवल किसको बैलेंस करेगा, एम जी के साइन थीटा कंपोनेंट को है ना। तो बच्चों अगर एंगल ऑफ रिपोज से कम हो तब तो स्लाइडिंग नहीं होगी, तो एफ एस जो है वो एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर देगा, और नॉर्मल जो है वो कितना हो जाएगा इस केस में, एम जी कॉस थीटा। अब mg cos थीटा और mg sin थीटा का टोटल कितना आएगा, mg, मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट भी कितना आ जाएगा, mg। तो अब इस केस में थीटा अगर जीरो हो तब तो फ्रिक्शन जो है ब्लॉक पे जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि इस केस में mg sin थीटा भी जीरो होगा और एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी जीरो होगा। सही बात है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पता है क्या होता है, देखो यहां पर अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो इस पे जैसे मान लो नॉर्मल रिएक्शन ये लग रहा है, फ्रिक्शन सपोज करो पीछे लग रहा है ना, तो जो टोटल रिएक्शन ने नॉर्मल से एंगल बनाया इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ध्यान रखना। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है जैसे जैसे फ्रिक्शन बढ़ता है ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जीरो, क्योंकि टोटल रिएक्शन जो है वो नॉर्मल फोर्स के पैरेलल आएगा, तो थीटा जीरो पर फ्रिक्शन जीरो होगा और एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी जीरो होगा। सही बात है, थीटा लेस देन टेन इनवर्स म्यू एस मतलब कि एंगल ऑफ रिपोज से कम, तो उस केस में एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जीरो, सही बात है, स्लाइडिंग नहीं होगी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो थीटा होगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। देखो बच्चों यहाँ पर जैसे फ्रिक्शन जो है वो इतना है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास टोटल रिएक्शन है ना। अब टोटल रिएक्शन में टोटल रिएक्शन किसको बैलेंस करेगा, इन दोनों के नेट फोर्स को, इन दोनों का नेट फोर्स आएगा एम जी, भाई एम जी के ही तो दो कंपोनेंट थे, तो इसका मतलब इन दोनों का भी रिजल्टेंट जस्ट अपोजिट आना चाहिए एम जी के, तो ये दोनों में एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये रिएक्शन जो नॉर्मल टोटल रिएक्शन ने नॉर्मल से एंगल बनाया वो भी थीटा बनेगा, तो सिंपल यहाँ थीटा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगर थीटा 10 इनवर्स म्यू एस से ज्यादा हो जाए तो उस केस में क्या होगा, थीटा अगर इस एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो जाए तो उस केस में स्लाइडिंग हो जाएगी, स्लाइडिंग हो जाएगी ना, तो फिर उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स होती है म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा, इतने ही होगा ना, तो फ्रिक्शन फिक्स हो गया म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा, और नॉर्मल कितना है बेटा, नॉर्मल है एम जी कॉस थीटा। तो इस केस में टोटल कॉन्टेक्ट फोर्स हो जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। देखो टोटल कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब होता है टोटल रिएक्शन फोर्स जो है ना वो इन्हीं दोनों का होता है, रिएक्शन फोर्स का सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट को बोलते हैं फ्रिक्शन, और सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को बोलते हैं नॉर्मल। तो यहां टोटल रिएक्शन फोर्स का मतलब हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एफ के स्क्वायर, तो इन दिस केस एम जी कॉस थीटा और वन प्लस म्यू स्क्वायर, तो आपका आंसर यहां बन जाएगा एम जी कॉस थीटा वन प्लस म्यू स्क्वायर, ये आपका आ गया थर्ड ऑप्शन। तो इसमें अपने पास आठवें क्वेश्चन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों करेक्ट हैं। ओके बच्चों नोट करें इसको, स्क्रीनशॉट लें। अगला आता है कि एफ एफ एन और एफ डिनोट मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, ध्यान रखना ये कॉन्टेक्ट फोर्स है, ये नॉर्मल और फ्रिक्शन है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि कॉन्टेक्ट फोर्स को तो अपन ऐसे लिखते हैं ना, नेट कॉन्टेक्ट फोर्स इज नॉर्मल प्लस दिस, मतलब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। देखो ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आता है ना, अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगाया
तो फ्रिक्शन ऐसे आता है और टोटल रिएक्शन फोर्स इधर जाता है। अब इसमें से कोई भी जीरो नहीं है, मतलब तीनों लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है रिजल्टेंट भी आएगा कुछ ना कुछ। एफ, इस आर को इन्होंने बोल दिया एफ, तो देखो एफ जो है एफ एन से ज्यादा आएगा, सही बात है, एफ एफ से ज्यादा आएगा। एफ एन जो है वो एफ से कम ज्यादा होगा। अब एफ एन जो है नॉर्मल रिएक्शन देखो फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, तो यहां पर अपन एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू को मैं लिख सकता हूं म्यू इंटू एन। जनरली क्या होता है बेटा, म्यू एक से कम होता है, इसका मतलब फ्रिक्शन जो है वो एन से, फ्रिक्शन एन से कम आता है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी एन से कम आती है। अब जब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ही एन से कम आ रही है ना, लेकिन वो जनरली बोल रहा हूं म्यू एक से कम हो तब, लेकिन म्यू एक से कम हो इस बात की कोई गारंटी नहीं, म्यू तो एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो म्यू अगर एक से ज्यादा होगा है ना, अब मैं यह कंडीशन लिख रहा हूं इफ म्यू ग्रेटर देन वन, तो उस केस में आपके पास एफ एस जो आएगा वो भी एन से ज्यादा आएगा, मतलब एफ एस मैक्सिमम। अब एफ एस मैक्सिमम एन से ज्यादा है, हालांकि इस बात में ये तो मैक्सिमम की वैल्यू है, लेकिन फ्रिक्शन जो लग रहा हमें क्या पता कि वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है या मैक्सिमम जितना है, तो हम तो सारी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। तो अगर फ्रिक्शन नॉर्मल से कम हो भी सकता है, बट यहां ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये इसके सेम भी आ जाए या इक्वल भी आ जाए, तो दोनों पॉसिबिलिटी बहुत पॉसिबल। तो हम कंफर्म ये नहीं कह सकते कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा एफ से ज्यादा होगा, ये हम कंफर्म नहीं कह सकते, इसलिए हम इसको फिर गलत करेंगे। मतलब इसके आने की पॉसिबिलिटी है लेकिन हमेशा आएगा ही जरूरी नहीं। चौथा, एफ एन माइनस एफ और एफ एन प्लस एफ। देखो इसको है ना, ये चीज को आप वेक्टर से समझो, जैसे मान लो दो वेक्टर हो, इसको आप एक वेक्टर मानो ए और इसको मानो वेक्टर बी। जब दो वेक्टर जीरो डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना आता है, ए प्लस बी। जब दो वेक्टर 180 पे होते हैं तो कितना आता है, ए माइनस बी। और जब 90 पे होते हैं तो जीरो डिग्री पे जो रिजल्टेंट आया उससे तो कम आएगा और 180 पे जो आया उससे ज्यादा आएगा, तो मेरा फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही करेक्ट होना है कि ये जो फोर्स की वैल्यू है ये इससे तो कम आएगी और ये इससे ज्यादा आएगी। वेक्टर एडिशन से सोचोगे ना इजिली क्वेश्चन हो जाएगा, और मुझे पता है कई लोगों के दिमाग में चमक गया होगा वेक्टर एडिशन से करना, ऑप्शन देख के चमक गया होगा है ना। तो जिसने करा है इसको वेक्टर के कंसेप्ट से वो एक बार कमेंट में बताना जरूर है ना बच्चों। चलो तो अपना नाइन्थ वाला क्वेश्चन पे आते हैं, हो गया है ना। तो इसका नाइन्थ वाले क्वेश्चन का फाइनली कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ। ओके बेटा, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन टेंथ पे। तो टेंथ में आपको यहां पर एक सिस्टम दिया हुआ है 6i 8j और 20k केप। अब 20k केप देखो एक्स और वाई ऐसे होता है, के केप जो है वो ऊपर की डायरेक्शन है ना, तो इसमें 20 अपन ने लगाया के केप डायरेक्शन में, ठीक है 20 न्यूटन। एक्स में कितना लगाया 6 और वाई में कितना लगाया 8। इसमें एम जी कितना लग रहा है, ब्लॉक का मास है 5 kg, तो एम जी लगेगा 50। तो 50 में से 20 माइनस कर दो, सॉरी हाँ, ये 20 न्यूटन जो था वो एफ जेड था, तो अब इस केस में नॉर्मल कितना आएगा, नॉर्मल आ जाएगा 50 माइनस 20। तो 50 माइनस 20 30, तो नॉर्मल आ जाएगा 30 न्यूटन। अब जैसे 30 न्यूटन नॉर्मल आया, यहां पर इन्होंने फ्रिक्शन कोफिशियंट दिया हुआ मुझे 0.4, तो एक बार एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू निकालता हूं, म्यू इंटू एन 0.4 इंटू नॉर्मल 30, कितना हो जाएगा 30 × 0.4, ये हो जाएगा 12। तो 12 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगा। एक बार देखते हैं इन दोनों, अब देखो चलाने वाला फोर्स कौन कौन है, एफ जेड जो है ना वो तो एम जी को काउंटर करने की कोशिश में खत्म हो गया, एफ एक्स और एफ वाई इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ड्राइविंग फोर्स, तो यहां चलाने वाला जो फोर्स आएगा वो आएगा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। एफ एक्स कितना है 6 और 8, 6 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10, तो 6 और 8 का स्क्वायर हो गया 10, तो चलाने वाला फोर्स है 10 न्यूटन। रोक, अब देखो चलाने वाला फोर्स रोकने वाले फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से कम है, तो जब चलाने वाला फोर्स कम है और रोकने वाला ज्यादा है, मतलब ज्यादा हो सकता है ना, तो इसका मतलब चल तो नहीं पाएगा, तो फिर उस केस में हमारे पास जो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी वो आएगी एफ एक्सटर्नल जितना, मतलब कि 10 न्यूटन। 12 न्यूटन लग सकता था लेकिन लगेगा नहीं, लगेगा उतना जितना रोकने के लिए रिक्वायर्ड है, तो फ्रिक्शन लगेगा 10 न्यूटन। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं,
ब्लॉक विल नॉट स्टार्ट स्लिपिंग, सही बात है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो काउंटर कर देगा पूरे फोर्स को, है ना, तो नहीं मूव करेगा। फ्रिक्शन फोर्स ऑन क्यूब इज 10 न्यूटन, ये भी बात सही है। फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इन एक्स वाई प्लेन, अब देखो एंगल बताना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, इसके लिए अपन को एक बार वापस ये ब्लॉक को यहां समझाना पड़ेगा। देखो एक्स डायरेक्शन का फोर्स था 6, है ना, अब मैं इसको ऐसे बनाता हूं एक्सिस को, वाई का था 8, तो टोटल फोर्स कितना आ जाएगा 10, ये एंगल कितना आएगा बेटा मेरे पास, ये आ जाएगा 53। अब फ्रिक्शन जस्ट इस एफएस एक्सटर्नल को अपोज करेगा, ये 53 है तो ये वाला एंगल कितना बचेगा फ्रिक्शन का एक्स एक्सिस से 127। ध्यान रखना एंगल आप उधर से भी ले सकते थे, पर उसने बोला है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, तो एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रिक्शन का एंगल कितना है 127। अगर किसी ने थर्ड ऑप्शन को इसलिए गलत करा है क्योंकि उसने एंटी क्लॉकवाइज लिया था, तो बेटा ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना सीख लो, है ना। और ये बोल रहा है कि कॉन्टेक्ट फोर्स, है ना, अब देखो कॉन्टेक्ट फोर्स में ना आप वापस यहाँ पे गलती करे होंगे, कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब कई लोगों ने केवल फ्रिक्शन को समझ लिया होगा, जबकि कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स रिएक्शन फोर्स जो होता है वो आता है नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर। नॉर्मल कितना था, नॉर्मल था 30 का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन 10 का स्क्वायर, यानी कि आएगा टोटल 1000। तो यहां पर कॉन्टेक्ट फोर्स 10 के बजाय आएगा 10√10, है ना। तो कई लोगों ने जहां नॉर्मल को स्किप किया होगा उन्होंने चौथा ऑप्शन भी टिक किया होगा और उनको एक लड्डू मिला होगा फिर, है ना, नेगेटिव मार्क्स वाला लड्डू। तो थोड़ा सा बेटा ध्यान से पढ़े, कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन प्लस फ्रिक्शन दोनों, मतलब प्लस से मतलब वेक्टर एडिशन। ओके बच्चों, तो ये अपने यहाँ पे एमसीक्यूज थे, है ना, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो उम्मीद करता हूँ आप काफी लोगों ने यहाँ तक जो है अपना पेपर बहुत सही से दिया होगा। आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन इंटीजर पे, बच्चों अब आता है अपना इंटीजर वाला पार्ट। इंटीजर वाले पार्ट में आपको यहाँ पर अगेन 10 क्वेश्चन दिए हुए, पहले वाले क्वेश्चन बोला है कि डी का मैक्सिमम मास बताओ ताकि तीनों जो है वो एक साथ मूव करें। ध्यान रखना ये वाली सरफेस जो है ना बेटा ये तो स्मूथ है, लेकिन ए बी और सी के बीच में फ्रिक्शन है ना। अब देखो इसमें ए को चलाने का काम कौन कर रहा है, ए को चलाने का काम कर रहा है उस पे लगने वाला है स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये बोल रहे हैं कि साथ साथ चले बिना फिसले गति करना, मतलब कि साथ साथ चलना, तो ए को चलाने का काम केवल और केवल कौन करेगा, उस पे लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस केस में एक्सेलरेशन ऑफ ए की जो मैक्सिमम वैल्यू है, देखो मैंने बोला था ना कि जो केवल फ्रिक्शन की वजह से चले उसके एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, तो ए के एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी मेरे पास म्यू एम जी, तो इसको चलाने वाला फोर्स डिवाइड बाय मास, तो म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है आपको बेटा हाफ, तो ये हो जाएगा जी बाय टू। तो इस केस में एक्सेलरेशन ऑफ ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, जी बाय टू। अब ए का मैक्सिमम एक्सेलरेशन जी बाय टू, तो इस पूरे सिस्टम का भी जी बाय टू होना चाहिए, और जितना इसका होगा उतना ही इसका भी होगा जी बाय टू, है ना। अब बी का मास कितना है, एन इंटू एम। अब देखो सिस्टम में रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है ना, क्योंकि ओवरऑल जो सरफेस है ग्राउंड वो तो स्मूथ है, तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, ये होता है एफ चलाने वाला फोर्स कौन सा है, एन एम जी। रोकने वाला कोई नहीं, सिस्टम को रोकने वाला तो कोई नहीं है ना, डिवाइड बाई टोटल मास आएगा एन एम प्लस 3m, और ये कितना दिया हुआ आपको, ये दिया हुआ इक्वल्स टू जी बाई टू, है ना। तो क्या आ जाएगा बेटा, जी से जी उड़ा दो, 2nm n प्लस 3m, तो 2n, तो ये आ जाएगा मेरे पास n इक्वल्स टू 3। इसका मतलब यहां पर जो d का मैक्सिमम मास आप रख सकते हो वो केवल 3m रख सकते हो, 3m रख सकते हो, अगर आपने उससे ज्यादा रख दिया तो b तो साथ में जाएगा d के, देखो d केवल b को साथ लेके जाएगा, फिर ए और सी का क्या होगा फिर आपको देखना पड़ेगा, है ना, फिर स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी उसके बाद। ओके बच्चों, तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा 3। बच्चों सेकंड क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, कंस्टेंट का और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का काफी अच्छा यहाँ पे मिक्स्ड है। पहले तो कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप में से कितनों का ये क्वेश्चन सही हुआ है, है ना, क्योंकि वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको अपन बहुत प्यार समझेंगे, है ना, मैं एक बार इसका डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ, है ना, यहाँ पर ये ए, फिर एक और पुली ये, फिर उसके बाद ये एक और पुली, है ना, आराम से अपन इसको लंबा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत जगह अपने पास, है ना, ये कौन सी नंबर की पुली है अपनी, ये वाली, है ना, फिर उसके बाद अपने पास यहाँ तो आ जाएगा सपोर्ट,
यहाँ एक और पुली है और उसके बाद यहाँ है M1, है ना, यहाँ एक और सपोर्ट लगा देते हैं। अब इन्होंने M1 का एक्सेलरेशन कितना दिया बेटा, A ऊपर की तरफ दिया हुआ है, इधर आ जाएगा M1G, है ना। थोड़ा सा मैं अब कलर चेंज कर लूँ पेन का, ताकि थोड़ा सा मैं इसको आराम से यहाँ समझा पाऊँ। मैं ऐसा करता हूँ, इस रस्सी का टेंशन T मान लेता हूँ, ठीक है। अगर ये T है तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2T, ठीक है, ये भी T, ये भी T, है ना, ये आएगा मेरे पास 2T, ये भी 2T, ये कितना हो जाएगा बेटा 4T, ठीक है, ये 4T है तो इधर भी कितना आ जाएगा 4T, 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 है ना, 4T। देखो ये पूरी रस्सी है ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी एक रस्सी है ना, तो ये पूरी एक रस्सी है ना, और ये तो इधर सपोर्ट बंधा हुआ ऊपर तो, है ना। अब ये 4 और 4 तो ये कितना आ जाएगा 8T, है ना। अब ये पूरी एक रस्सी तो इसमें भी कितना आ जाएगा 8T, है ना, तो ये भी 8T, है ना, ये 8T आ गया। इसके नीचे क्या बंधा हुआ बेटा, ब्लॉक बंधा हुआ है M2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 8 और 8, ये हो जाएगा 16T, ये भी 16T, ये आ जाएगा M2G, और इधर एक्सेलरेशन में मान लेता हूँ B। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो अपना अब इन्होंने A की वैल्यू पूछी अपन से ना, तो अपन को अब इस पूरे केस में आपको A की वैल्यू बतानी। चलो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं ना, इक्वेशंस बनानी है अपन को, है ना। सबसे पहले तो M1 के लिए इक्वेशन लिखते हैं। M1 की इक्वेशन क्या आएगी मेरे पास, चलाने वाले को ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, मतलब टी डोमिनेट करना चाहिए, तो इसका मतलब चलाने वाला माइनस रोकने वाला इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा मेरे पास M1 इनटू A, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन किसकी बनेगी, M2 की, तो दूसरी इक्वेशन M2 की मैं बनाऊंगा, ये हो जाएगी मेरे पास M2G माइनस 16T, है ना, T नहीं 16T, तो M2G माइनस 16T इक्वल्स टू M2B, है ना, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। देखो इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये टेंशन वाला भी था, अब उससे भी और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है A और B में रिलेशन निकालना, है ना, ये वाकई काफी अच्छा पार्ट है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा पेन, इसमें और कौन से कलर है, मैं बस ग्रीन ले लूं, आई होप ग्रीन से आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये अगर A है ना, ये अगर A है तो ये एंड ऊपर आएगा A से, तो इन दोनों एंड को A by 2 से ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब ये मेरे पास एक्सेलरेशन हो जाएगा A by 2 इस वाली पुली का, ठीक है। अब ये वाली पुली A by 2 से ऊपर जा रही है, देखो ये एंड रस्सी का A by 2 से ऊपर आ रहा है, तो इन दोनों एंड को A by 4 से ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब ये पुली का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा A by 4। पुली का एक्सेलरेशन हो गया A by 4, तो उसके बाद देखो अब A by 4 से ये एंड ऊपर आ रहा है ना, तो इस इधर से A by 4 रस्सी कम हो रही, तो इधर से भी A by 4 खुलनी चाहिए, उसके लिए इस पुली को A by 8 से डाउन जाना पड़ेगा, ठीक है। A by 8 से अगर ये डाउन जाएगा तो A by 8 से ये एंड नीचे आ रहा है, तो ये ब्लॉक को कितना नीचे आना पड़ेगा, इसको नीचे आना पड़ेगा A by 16, तो इसका मतलब, और जो इस एंड की नीचे आने की रेट है वही ये B हो जाएगा, तो B भी कितना हो जाएगा मेरे पास, ये B भी हो जाएगा A by 16। तो यहां पर मेरे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है बच्चों, कौन सा, कंस्टेंट, है ना। तो कंस्टेंट यूज करते हुए हमने एक इक्वेशन और निकाल दी, कौन सी इक्वेशन निकाली बेटा, A by 16 equals to B, तो ये मेरे पास एक और इक्वेशन आ जाती है। फिजिक्स यहाँ पे खत्म हो चुकी है इस क्वेश्चन की, है ना, जिसमें काफी दिमाग आपने लगाया उतना ही दिमाग इसमें कैलकुलेशन में भी लगेगा, ठीक है। तो अब मेरे पास देखो, जब तीन तरह की इक्वेशन बन जाए तो सॉल्व करने की शुरुआत करनी है कंस्टेंट से, तो कंस्टेंट वाली इक्वेशन को मैं इजी वे में लिख देता हूँ, A equals to 16B, है ना। अब A की वैल्यू कहाँ से डालूंगा, फर्स्ट इक्वेशन से, टी माइनस M1G अपॉन M1 16, B की वैल्यू M2G माइनस 16T अपॉन M2। यहां से सॉल्व करके मुझे अब क्या निकालना है बेटा, टेंशन की वैल्यू निकालनी है। चलो T, अब मैं M2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो M2T M2 इधर मल्टीप्लाई किया, फिर M2 M1 से मल्टीप्लाई होगा, तो M1 M2G ये हो जाएगा M1, तो 16 M1 M2G 16 इंटू 16 16 का स्क्वायर 256, T और M1 आ गया ना।
अब इससे मुझे टी की वैल्यू बतानी है, ठीक है? तो टी आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर कितना आएगा, 256 एम वन को इधर लेके जाऊंगा तो फाइनली आएगा मेरे पास 16 और एक 17, 17 एम वन एम टू जी डिवाइड बाई 256 एम वन प्लस एम टू, ये आ गया मेरे पास टी की वैल्यू। अब इस टी की वैल्यू को मैं कहाँ डालूंगा, इस टीवी की वैल्यू को मैं किसी भी एक इक्वेशन में डालता हूं, मुझे ए बताना ना तो फर्स्ट इक्वेशन में डालता हूं। तो अब वापस बाय वन, तो बाय वन हम लिखेंगे टी की ये बड़ी सी वैल्यू डालो 17 एम वन एम टू जी अपॉन 256 एम वन प्लस एम टू, ओके, माइनस एम वन जी इक्वल्स टू एम वन ए। अब एक बार वापस इसको अपन लिखेंगे यहां पर, तो 17 देखो एम वन एम टू जी और ये एम वन एम टू जी एक बार वापस कम हो जाएगा, तो 16 एम वन एम टू जी नीचे बचेगा 256 एम वन प्लस एम टू और ये हो जाएगा मेरे पास एम वन ए। एक एम वन उड़ा दूं, उड़ा दिया, तो ए आ जाएगा मेरे पास, 16 को बाहर लिख देता हूं मैं, क्या आएगा बेटा अंदर एम टू जी अपॉन 256 एम वन प्लस एम टू, 256 एम टू। अब यहां पे देखो इन्होंने किस फॉर्म में इसको अरेंज किया हुआ है, एक बार अपन देख लेते हैं, इन्होंने इसको लिखा हुआ है यहां पर ए की वैल्यू अपन ने टी की वैल्यू डाल दी, टी की वैल्यू अपन ने सॉल्व की, तो 256 एम वन जो है वो भी तो आएगा साथ में, तो यहाँ पर अपने पास आएगा 256 एम वन भी साथ आएगा ना, तो एक बार 256 एम वन को भी लिख देते हैं, 256 एम वन स्क्वायर, तो एम वन से एम वन कट जाएगा पूरे में, तो 256 एम वन फिर आएगा, तो 256 एम वन यहाँ माइनस भी होगा, तो 256 एम वन यहाँ भी माइनस होगा जी। तो अब देखो M2 माइनस 256 M1, अब इसमें से इन्होंने अपन ने 16 बाहर निकाला ना, तो यहाँ केवल 16 ही बचेगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास M2 माइनस 16 M1 और ये G है ना, और साथ में मैंने 16 बाहर निकाल लिया तो 256 का वो 16 बच गया। अब देखो ये इस फॉर्म में आंसर आ गया M2 माइनस 16 M1 M2 प्लस 256 M1, ये तो बन गया। आगे मेरे पास क्या रहा, 16 को इन्होंने क्या लिखा है 2 × 2n, तो 16 को मैं 2 × n के फॉर्म में क्या लिखूंगा 2 × 8, कंपेयर करो 8 की जगह n की जगह क्या आ रहा है 8, तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 8 इंटीजर। तो बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन था, एक बार कमेंट में बताना जरूर कि किसका ये क्वेश्चन जो है वो सही हुआ है, मतलब मान लो कि शानदार लेवल का क्वेश्चन आपने सही किया है। ओके, एक बार इसका सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट ले बेटा एक बार। बच्चों तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये इजियर साइड पे क्वेश्चन है जिसमें सारी सरफेस फ्रिक्शनलेस गिवन है, पुली आइडियल गिवन है, स्ट्रिंग भी लाइट है, मतलब सब कुछ आइडियल कंडीशन है, फोर्स लगाया mg by 2, तो आपको बताना है एक्सेलरेशन कितना है। देखो इस पूरे को एक सिस्टम मान लो है ना, तो सिस्टम का टोटल मास कितना है 2m, फोर्स कितना लगा f, कोई एक्सटर्नल फ्रिक्शन नहीं है, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालने का सिंपल सा कंसेप्ट है, चलाने वाला फोर्स, रोकने वाला कोई है क्या, नहीं, तो -0, रोकने वाला कोई नहीं है, टोटल मास कितना है 2m, f की वैल्यू कितनी आएगी mg by 2 दी हुई है डिवाइड बाय 2m, तो ये कितना हो गया बेटा मेरे पास g by 4, तो g by 4 पे ये आ जाएगा मेरा जी एक्स, जी बाई एक्स दिया हुआ ना, कंपेयर करो तो x कितना आ गया मेरे पास 4, तो x की वैल्यू 4, ये अपना थर्ड क्वेश्चन का सिंपल सा सॉल्यूशन है। चलो स्क्रीनशॉट लो बेटा, आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन आएगा फोर्थ में, आपको देखो यहाँ पर स्मॉल ब्लॉक दिया हुआ है मास m का कैप्ट ऑन बिगर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल m हुज लेंथ इज l, सिस्टम को अपन ने हॉरिजॉन्टल रोड पे स्लाइड कर सकता है ना, सिस्टम स्टार्टेड टुवर्ड्स राइट विद इनिशियल वेलोसिटी v। अब देखो दोनों को v वेलोसिटी दे दी अपन ने है ना, अब v वेलोसिटी दी ना तब कोई दिक्कत नहीं है, आपने दोनों को रिलेटिव स्पीड जीरो रखी, लेकिन इनमें आपस में, इसलिए इनमें आपस में कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, लेकिन जो बड़ा वाला ब्लॉक है वो जमीन पे भी तो है, और जमीन पे है तो यहाँ पर हर सतह के बीच, देखो बड़े ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कॉफिशियंट म्यू है, तो ये वाला कॉफिशियंट कितना है म्यू, ये वाला कोफिशियंट कितना है म्यू बाई 2 है ना, बड़े और छोटे ब्लॉक के बीच में म्यू बाई 2 और बड़े ब्लॉक और सरफेस के बीच का म्यू है ना, तो इस केस में आपको म्यू बाई 2 की वजह से, अब देखो यहाँ पे इस ब्लॉक को रोकने का काम कौन करेगा, बड़े ब्लॉक पे फ्रिक्शन कौन लगाएगा, बड़े ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगाएगा म्यू एम प्लस एम जी,
तो इस पे जो एफ टू लगेगा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डायग्राम को बनाता हूँ, है ना, ये कौन सा है, छोटा एम, बड़ा एम, बड़े एम आगे स्लाइड कर रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, एफ टू, ये आ जाएगा मेरे पास म्यू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी आ गया। फिर इस पे जो फ्रिक्शन लग सकता है, देखो ये भी, अब देखो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, एम टू की स्पीड कम करेगा, M2 की स्पीड कम होगी तो M1 की भी स्पीड को भी फ्रिक्शन कम करना चाहेगा, M1 की स्पीड कम करने के लिए F1 जो है वो पीछे लगना पड़ेगा, F1 कितना हो जाएगा बेटा, F1 की मैक्सिमम वैल्यू, ध्यान रखना है मैं मैक्सिमम वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, F1 मैक्सिमम आएगा म्यू बाई टू एम जी, ठीक है। अब इस केस में म्यू बाई टू एम जी तो इतना ही आगे भी लगेगा इस पे, तो F1 इतना आगे लग जाएगा। अब ओवरऑल देखो दोनों को यहां रिटार्डेशन मिलेगा, स्पीड दोनों की कम होगी, लेकिन इसमें ज्यादा एक्सेलरेशन, ज्यादा रिटार्डेशन किसका होगा, देखो इसका जो रिटार्डेशन आएगा पीछे की तरफ a1, वो कितना आएगा, m से डिवाइड कर दो तो म्यू बाई टू जी, इस वाले का एक्सेलरेशन जो पीछे की तरफ आएगा रिटार्डेशन a2, वो a2 कितना आएगा बेटा, a2 आ जाएगा मेरे पास दिस माइनस दिस, तो ये आएगा म्यू एम प्लस कैपिटल एम जी माइनस म्यू एम जी बाई टू डिवाइड बाई कैपिटल एम आ गया बच्चों। अब इस केस में ये दोनों का एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास, अब इन दोनों के एक्सेलरेशन से आपसे पूछा है कि कितना टाइम लगेगा स्लाइड होने में, ये आराम से आप यहां समझ लो। अब आराम से अपन को ये देखो ए वन ए टू पता है, इनकी दोनों की इनिशियल स्पीड कितनी थी वी, है ना। अब देखो a2 ज्यादा है ना, तो इसकी स्पीड देखो इसका x रिटार्डेशन कम है, तो ये ओवरऑल आगे निकलेगा ना, तो इसका मतलब मुझे ओवरऑल l लेंथ कवर करवानी है। तो अब यहां पर देखो मैं s रिलेटिव की इक्वेशन लिखता हूं, u रिलेटिव t प्लस हाफ a रिलेटिव t स्क्वायर। s रिलेटिव कितना कवर करना है l, v रिलेटिव कितना है जीरो, क्यों, क्योंकि दोनों की स्पीड v के इक्वल है। फिर इसके बाद हाफ ए रिलेटिव कितना आ जाएगा मेरे पास ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन की वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार अपन, तो ये हो जाएगा म्यू एम प्लस कैपिटल एम जी माइनस म्यू एम जी बाई टू डिवाइड बाई कैपिटल एम माइनस म्यू जी बाई टू। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा म्यू एम जी माइनस म्यू एम जी बाई टू, तो म्यू एम जी बाई टू, फिर म्यू कैपिटल एम जी और म्यू एम जी बाई टू, तो वापस ये आ जाएगा मेरे पास म्यू कैपिटल एम जी माइनस कैपिटल एम जी बाई टू, है ना। तो ये कितना हो गया मेरे पास म्यू एम जी, और इसमें से अपन टू माइनस करेंगे तो लेट्स चेक एक बार इसमें देख लेते हैं। हाँ तो अब यहां पर इसको अपन सॉल्व करेंगे म्यू 1 प्लस एम प्लस कैपिटल एम प्लस 1 जी माइनस ऑफ म्यू एम अपॉन कैपिटल एम बाई 2 जी माइनस ऑफ म्यू जी बाई 2। एक बार कैपिटल एम और स्मॉल एम का रिलेशन हमें गिवन है क्या, नहीं गिवन है, चलो तो अपना आंसर भी अपन को उसी फॉर्म में लाना है ना। तो अपना यहाँ पर ही आंसर आएगा, अब सॉल्व जब आप करोगे तो म्यू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी, फिर ये आएगा म्यू जी माइनस म्यू बाई टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम जी माइनस म्यू जी बाई टू। तो इसको आप माइनस करोगे बाई टू से, तो ये आ जाएगा मेरे पास म्यू एम अपॉन कैपिटल एम जी प्लस म्यू जी, तो ये वन माइनस वन बाई टू टाइप हो गया, तो ये आ जाएगा वन बाई टू। तो ए रिलेटिव कितना आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा म्यू एम जी प्लस म्यू कैपिटल एम जी अपॉन 2m, ये आ गया मेरे पास a रिलेटिव। अब a रिलेटिव की वैल्यू को मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो ये आएगा मेरे पास म्यू m प्लस कैपिटल m, m प्लस कैपिटल m g डिवाइड बाई 2m और t स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा t की वैल्यू 4m l अपॉन म्यू m प्लस कैपिटल m g रूट में। अब एक बार कंपेयर करते हैं टाइम कितना दिया हुआ अपन को, अपन को टाइम दिया हुआ है कैपिटल एम एल कैपिटल एम प्लस एम म्यू जी, सही दिया हुआ है, केवल स्मॉल एन की जगह अपना क्या आ रहा है फोर। तो फाइनली मेरे पास स्मॉल एन की वैल्यू आ जाएगी फोर, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको रिलेटिव का कंसेप्ट लगाना था, फ्रिक्शन का कंसेप्ट लगाना था, और इस तरह से आपका ये आंसर भी
आएगा, है ना, मतलब मेहनत है इस क्वेश्चन में, है ना। तो ये फोर्थ क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। बच्चों पांचवे क्वेश्चन में आपको एक तो जी इग्नोर करना है, तो एक सिंपल सा देखो सिस्टम समझते हैं, है ना। ये एक ऐसे रॉड है ना, इस रॉड में ऐसे एक रिंग फंसाई हुई है। अब ये रॉड में रिंग फंसी ना, ये रॉड ऐसे तिरछी चल रही, यूं चल रही है, ऐसे यूं नहीं चल रही, ये चल रही ऐसी तिरछी, यूं रख के यूं चला रहे हैं इसे, है ना। तो इसमें आपने एक्सेलरेशन दिया इधर, तो अब रॉड के रिलेटिव देखते हैं ना अपन को, तो रॉड के रिलेटिव इसको कितना दूरी कवर करवानी है। एल लेंथ की रॉड है तो एल बाई टू इसको कवर करना पड़ेगा रिंग को गिरने के लिए ना। अब रॉड के रिलेटिव देखते हैं, इस पे क्या लग जाएगा, एफ पी स्यूडो फोर्स। देखो रॉड जो है ना, कई लोगों को स्यूडो फोर्स समझ में नहीं आता कि कब लगाना है। सिंपल सा कंसेप्ट याद रखो, जब अपन किसी ऐसे फ्रेम के रिलेटिव ऑब्जर्व करें, फ्रेम का सिंपल सा मतलब है ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैं इस पेन की बात कर रहा हूँ तो पेन एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब फ्रेम। तो जिस ऑब्जेक्ट के रिलेटिव आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर वो एक्सेलरेटेड है तो बोलते हैं उसको कौन सा फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, जिसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तभी वैलिड होंगे जब आप स्यूडो फोर्स काम में लोगे, है ना। तो अब इस केस में एफ बराबर एम आ गया, और कोई फोर्स नहीं ना इसके अलावा। तो चलो मैं इसका दो कंपोनेंट करता हूँ, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा एम ए कॉस अल्फा। ये एम ए कॉस अल्फा क्या करेगा, इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। सिंपल सी इक्वेशन लिख दो आप तो। अच्छा, इसमें साथ में एक नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा, ये एफ पी आएगा एम ए साइन अल्फा, इसकी वजह से एक नॉर्मल क्रिएट होगा। अब नॉर्मल जब क्रिएट होगा तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन भी आएगा, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एम ए कॉस अल्फा में से म्यू एम ए साइन अल्फा माइनस करो, भाई भाई चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइड बाय मास, तो एम से एम कटेगा, ए कॉस अल्फा माइनस म्यू साइन अल्फा, ये आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन, है ना। तो इसको मैं ए डैश कर देता हूँ, चलो ठीक है। तो अब यहाँ पर टाइम क्या जाएगा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए डैश टी स्क्वायर। रिलेटिव में कितना डिस्टेंस कवर करवानी है, एल बाई टू यू जीरो हाफ ए डैश को लिख दो वो चीज़, है ना। तो ये यार ये छः नहीं है, कुछ अजीब सा बन गया ए, है ना, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ए। तो a cos alpha माइनस म्यू साइन अल्फा, है ना, तो यहां मैं लिखता हूं a cos alpha माइनस a म्यू साइन अल्फा, और इसको आप लिख दो t स्क्वायर, ठीक है। तो इससे ये 2 से 2 तोड़ गया अपना, है ना, तो t आएगा अपने पास, 2 तोड़ गया था ना, तो l बचेगा, नीचे बचेगा ए कॉमन निकालो, कॉस अल्फा माइनस, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये क्या वन था ना, वन आ गया, ये आ गया, तो वन नहीं सॉरी एल बचेगा ना, हाँ एल, तो एल के मल्टीपल में क्या आ रहा है, वन। तो यहां पर बाकी सब ठीक है, एन की जगह क्या आ रहा है मेरे पास, वन आ रहा है, तो अपना यहाँ ऑप्शन हो जाएगा वन फिफ्थ का। ओके बच्चों, तो ये यहाँ पे स्यूडो फोर्स के कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन था अपना। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि एक ब्लॉक जो है वो रखा हुआ है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.5 है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी हो। देखो सबसे पहले तो इस 5 का जो इफेक्टिव वेट आएगा वो आएगा एम वन जी साइन 37 53/5 यानी कि 30, तो 30 न्यूटन तो आ गया मेरे पास चलाने वाला फोर्स जो इसको चलाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर मैं एकदम अच्छा इसमें ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, ये वाला आएगा मेरे पास 50 cos 37 की वजह से हो जाएगा, ये आएगा ना मेरे पास एम टू जी कॉस 37, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 40 हो जाएगा, 40 तो मेरे पास नॉर्मल भी कितना हो जाएगा, ये जो नॉर्मल आएगा ये भी हो जाएगा 40। नॉर्मल 40, म्यू कितना दिया हुआ है 0.5, इसका मतलब मेरे पास जो एफ एस मैक्सिमम आएगा वो आएगा म्यू इंटू एन यानी कि 0.5 × 40 यानी कि 20, ठीक है। अब अगर मान लो मैं बी की वैल्यू को रख देता हूँ, कितना मैं बी की वैल्यू को रख देता हूँ, सपोज करो 20 मतलब कि ये कितना चलाने वाला कितना 30, चलो मैं 3 kg रखता हूँ, तो इधर 30 उधर 30 बैलेंस हो जाएगा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं 3 kg से ज्यादा करता हूँ, सपोज करो मास ऑफ बी अगर 3 हो, तब तो उस केस में फ्रिक्शन कितना आ जाएगा 0। अच्छा ये ध्यान रखना है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है।
बी का मास 30, तो तीन रखोगे तो तीन का वेट 30, इधर भी 30, आपस में दोनों कैंसिल, फ्रिक्शन को आने की जरूरत नहीं। अब आप तीन से कम करते हो, है ना, तीन से कम करते हो तो फ्रिक्शन आएगा, तीन से कम करते हो तो सिस्टम उधर फिसलेगा। तो जब एम लेस देन तीन हो तो उस केस में फिसलने की टेंडेंसी किधर होगी, ए नीचे जाएगा ना, तो ए पे फ्रिक्शन इस तरह से आ जाएगा ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम वन जी साइन 37 प्लस फ्रिक्शन इक्वल्स टू एम बी जी, है ना। अब देखो यहाँ, सॉरी इसको भी तो बैलेंस करेगा, तो ये एफ एस इधर आ जाएगा, साइन 37 इक्वल्स टू एफ एस प्लस एम बी जी। अब आप जितना एम बी को कम करोगे एफ एस उतना ही बढ़ेगा, तो एम बी जब मिनिमम होगा तो एफ एस क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम, है ना। तो ये आ जाएगा मेरे पास 30, 20, एम मिनिमम कितना है, एम मिनिमम को इन्होंने एम वन बोला है जी, तो इससे मेरे पास एम वन आ जाएगा 1, मतलब मिनिमम मास में 1 केजी भी रख दूंगा ना, 3 केजी पे तो फ्रिक्शन 0, 1 केजी पे भी सिस्टम रेस्ट पर रहेगा लेकिन फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा। इसी तरह से जब मैं एम ग्रेटर देन 3 कर देता हूँ, एम अगर 3 से ज्यादा होगा तो देखो फिर ये एम मतलब कि एम बी, एम बी की बात कर रहा हूँ ना, एम बी अगर 3 से ज्यादा होगा तो ये ब्लॉक नीचे फिसलना चाहेगा, तो फिर ये ब्लॉक ऊपर आना चाहेगा, तो इसका मतलब ए पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, डाउन, तो ए पे फिर फ्रिक्शन लगेगा डाउन। तो इस केस में एम वन जी साइन 37 प्लस एफ एस मिलकर के बैलेंस करेंगे एम बी जी को, एम वन जी साइन 37 जो है, अब देखो इसमें अगर आप एम बी को बढ़ाओगे तो एफ एस भी बढ़ेगा, क्योंकि मुझे तो इक्वेशन बैलेंस करवानी है रोकने के लिए। तो जब ये मैक्सिमम है, मतलब एम बी जब मैक्सिमम है तो एफ एस भी मैक्सिमम, एम बी मैक्सिमम कितना हो सकता है एम टू, ये कितना कितना हो जाएगा 30 प्लस 20, तो इससे एम टू कितना आएगा मेरे पास 5, एम टू 5 और एम वन कितना आया 1, तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, इसका मतलब एम टू माइनस एम वन 5 माइनस 1 4, तो इजीली आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, अगला आता है 7th क्वेश्चन। सेवन क्वेश्चन में आपको सिंपल एक कंस्टेंट की इक्वेशन बनानी है, ए की वेलोसिटी दी है 2 दाईं तरफ यानी कि राइट साइड, तो इसकी मान लेता हूं बी। अब सिंपल देखो, जो ए की वेलोसिटी वही पुली की वेलोसिटी, मैं खाली रस्सी बनाऊंगा बस, है ना, ये है ना, और ये तो देखो फिक्स एंड है ना, तो यहाँ तो फिक्स एंड हो गया, ये फिक्स एंड है ना, ये बी, अगर बी की वेलोसिटी से नीचे आ रहा होगा तो ये रस्सी को खींचेगा, ये पुली रुकी हुई तो दोनों एंड की वेलोसिटी 0, है ना, ये अगर ब्लॉक 2 से आ रहा है तो ये एंड भी 2 से जाएगा, ये एंड भी 2 से जाएगा, ये एंड भी 2 से जाएगा, जो रस्सी को कम करता है वो नेगेटिव, तो ये -2 3 बार आ रहा है, ये रस्सी को कम करने का काम कर रहा है नेगेटिव, जो रस्सी की लेंथ बढ़ाने का काम कर रहा है वो पॉजिटिव, ओवरऑल 0, तो बी कितना हो जाएगा 6, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे बी की वैल्यू हो जाएगी 6, स्क्रीनशॉट ले बेटा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन आता है, 8वें क्वेश्चन में आपको बोला है कि आदर्श एक आइडियल स्प्रिंग गिवन है, इसमें बोल रहे हैं कि जब आप 100 किलो का ब्लॉक लटका तो रीडिंग कितनी आती है 40, तो ऐसा करते हैं जब ब्लॉक नहीं लटका होगा, मान लो स्प्रिंग की कुछ नेचुरल लेंथ भी तो रहेगी ना इस केस में, तो हमें मान लेते हैं स्प्रिंग की कुछ नेचुरल लेंथ रहेगी एल, जब आपने इसमें 100 किलो का ब्लॉक लटकाया तो ये रीडिंग कितना दे रहा है 40, कब, जब आपने 100 किलो का ब्लॉक 100 न्यूटन रखा, फिर जब आपने 200 न्यूटन रखा तो 200 न्यूटन पे ये कितना दे रहा है 60, तो देखो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो क्या होगा, के इंटू एक्स, एक्स का मतलब होता है डिफॉर्मेशन, तो एक्स जो है वो ये वाला होगा बेटा एक्स वन, और ये हो जाएगा मेरे पास एक्स टू, ठीक है, तो इस केस में ध्यान रखना स्प्रिंग फोर्स के एक्स वन के एक्स टू ऐसे लिखेंगे ना, तो यहाँ पर 100 न्यूटन क्या आ जाएगा, के एक्स वन का मतलब आ जाएगा के 40 माइनस एल 100, इधर कितना आ जाएगा 200 के के ये आ जाएगा 60 माइनस एल आ गया। तो दो अननोन दो इक्वेशन, एक बार तो इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो बाय 1 डिवाइड बाय 2 कर लो, 100 बाय 200 के 40 माइनस एल 60 माइनस एल, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2, इससे L आएगा मेरे पास 20,
L20 आते हैं। अब देखो जब आप यहाँ पे बोला है कि आपने x वेट लगाया है ना, तो 30 रीडिंग आती है, तो x के लिए कितनी आ जाएगी। अब यहाँ पे एक और इक्वेशन बना लेता हूँ, तीसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इक्वल्स टू k 30 माइनस l, तो ये तीसरी इक्वेशन। अब ऐसा करते हैं तीसरी इक्वेशन को भी डिवाइड कर देते हैं, तो बाई 1/3 कर दो, या हाँ 1/3, तो 100/x k 40 माइनस 20, और ये आ जाएगा k 30 माइनस 20, तो ये कैसे के कटेगा, ये कटेगा दो बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 50। तो इसका मतलब जो आपने फाइनल वेट लगाया होगा वो कितना लगा होगा बेटा, x। ओके, तो ये इजी क्वेश्चन था, बस ध्यान रखना था कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो डिफॉर्मेशन होता है k इंटू x। ओके बेटा, देन इसके बाद आता है अपना 8, ये 9th क्वेश्चन। इसमें देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, पूरा सिस्टम आपको रेस्ट पे रखना है, ब्लॉक और प्लेटफॉर्म दोनों का मास 60-60 किलो है, तो ओवरऑल नेट डाउनवर्ड वेट कितना लग रहा है, नेट डाउनवर्ड वेट लगेगा यहाँ पर 60+60g। देखो पर्सन रेस्ट में तो ऑब्वियसली बात है प्लेटफॉर्म भी रेस्ट में रहेगा, है ना। अब मान लो पर्सन ने एफ फोर्स लगाया होगा, तो इधर कितना आएगा F/2, और ये भी कितना आएगा F/2। अब ये F/2 है तो ये भी F/2 होगा, इधर भी F/2 होगा, और ये F/2 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा F/2, तो ये हो जाएगा मेरे पास F, ये F, इसका मतलब ये भी F, तो टोटल फोर्स कितना आएगा F+F/2+F+F/2, ये सब मिलकर के टोटल 120g को बैलेंस करेंगे, तो ये कितना आ गया मेरे पास 3F is 120 10, तो F जो है वो कितना आएगा मेरे पास 40 into 10 400, तो F आ जाएगा इससे 4 into 100, तो मेरे पास N की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, N की वैल्यू आएगी इसमें 4, है ना। तो इजीली क्वेश्चन बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना, नोट करें बेटा, स्क्रीनशॉट ले एक बार। आता है मेरे पास इसके बाद 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में देखो आपको एक M2 मास का ब्लॉक दिया हुआ है 12 kg का, और M2 और ग्राउंड के बीच का फ्रिक्शन कितना दिया हुआ, 0.25 दिया हुआ है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, है ना। तो यहाँ पे बोला है कि M1 के किस मैक्सिमम वैल्यू तक जो है वो सिस्टम रेस्ट में रहेगा। देखो M1 को अपन यहाँ बनाते हैं, M1 का जो भी वेट आएगा ना उसको इधर से नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करेगा। ये एंगल 53 है तो ये कितना हो जाएगा 37, ये 37 है तो ये भी 37, तो n का कौन सा कंपोनेंट, n cos 37, तो यहाँ n cos 37 बैलेंस करेगा mg को, तो n क्या हो जाएगा इससे m1g/cos 37। m1g कितना हो जाएगा इस केस में, m1g, चलो यहाँ पे m1 ही ये पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, cos 37 कितना होता है 4/5, तो इसको मैं लिख दूंगा 5 m1g/4, ये तो n की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब ये n नॉर्मल रिएक्शन देखो दोनों पे लगेगा ना, ऐसे भी और ऐसे भी। अब m2 का FBD बनाते हैं, m2 पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, है ना। अब देखो सरफेस अगर ऐसे होती, हॉरिजॉन्टल होती ना, तो नॉर्मल ऐसे लगता, सरफेस कितना 37 झुकी, तो नॉर्मल भी वर्टिकल से 37 जाएगा ऊपर, तो ये 37 ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। अब 37 ये शिफ्ट है तो m2 का कौन सा कंपोनेंट, ये वाला N2 sin 37, ये इसको चलाने का काम करेगा, और N2 का एक और कंपोनेंट जो cos 37 आएगा, सॉरी N2 क्या, वो N ही है ना, तो हाँ तो N ही है ये, है ना, ये N2 नहीं है, N ही है ना, तो N2 और N1 के लिए एक ही है ना, मिटा देते हैं इसको, पूरे ही मिट गया है। तो ये N sin 37, ये N, और ये N cos 37, साथ में। अब देखो n sin 37, n की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 5 m1g/4, तो इसको मैं लिखूंगा 5 m1g/4 3/5, तो ये आ जाएगा 3 m1g/4, इधर कितना आ जाएगा मेरे पास 5/4 m1g 4/5 से 5, ये mg, तो m1g जो है वो आ जाएगा नॉर्मल का एक कंपोनेंट जो डाउनवर्ड आ रहा है वो, साथ में एक m2g भी आएगा। अब m2g और m1g, इसकी वजह से एक नया नॉर्मल क्रिएट हो जाएगा यहाँ जमीन से, ये कौन सा आएगा n2,
तो एन टू की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, ये आएगी एन कॉस 37 प्लस एम टू जी। एन कितना था, एन कॉस 37 था मेरे पास एम वन जी, तो एम वन जी प्लस एम टू जी। अब एम वन जी और एम टू जी जो है वो तो नया नॉर्मल हो गया, चलाने वाला फोर्स कौन है, चलाने वाला फोर्स है 3mg/4। सिस्टम M2 रुका रहे तो इसका मतलब क्या होगा, M2 के रुकने का मतलब ये है कि 3m1g/4 ये चलाने वाला फोर्स है, इसको कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, ज्यादा तो नहीं होना चाहिए ना चलने वाला, चलाने वाला फोर्स अगर ज्यादा होगा सिस्टम चलने लग जाएगा फिर तो 3m1g/4 को म्यू एन से एन टू से कम होना पड़ेगा। एन टू की वैल्यू कितनी आ रही है, एम वन प्लस एम टू जी। चलो अब तो जी से जी उड़ाओ, म्यू कितना दिया आपको 1/4 दिया हुआ ना, तो म्यू को लिख दो 0.25 मतलब कि 1/4, तो इसको मैं लिखूंगा 1/4 से 4 खत्म, तो 3m1 प्लस m2 तो ये आ जाएगा 2m1 इज m2, तो 2m1 m2 आ गया यहाँ पर। अब इस केस में जो आपके पास 2m1 इक्वल्स टू m2, अब मेरे पास क्या क्या दिया, मुझे m2 दिया है 12, तो m1 कितना आ गया, m2 अगर 12 है तो m1 हो जाएगा 12/2 मतलब कि 6, तो m1 की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 6 से ज्यादा अगर आप रख दोगे ना, तो m1 अगर आपने 6 से ज्यादा कर दिया तो ये नॉर्मल बढ़ जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट एक्सिट कर जाएगा। ओके बच्चों, तो इस वजह से फिर सिस्टम जो है वो ये ब्लॉक आगे सरकेगा, ये ब्लॉक आगे सरकेगा तो m1 नीचे फिसलने लग जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपल ये पूछा था कि कितने वैल्यू तक जो है ये सिस्टम रेस्ट में रहेगा, तो अपना यहाँ पर ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपका ये जो DTS है काफी आपने अच्छे से दिया होगा, और एक बार जो क्वेश्चन था अपना जिसमें काफी सारी पुलिस थी, एक बार जरूर वो कमेंट में बताना है किसने वो क्वेश्चन सही किया है ना, क्योंकि वो अच्छा क्वेश्चन था है ना, और टाइम कंज्यूमिंग भी था काफी, उसमें आपको ध्यान रखना था। ओवरऑल पेपर ऑन बेसिस पे देखें तो काफी मॉडरेट था, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने, जिन लोगों ने रिविजन अच्छे से किया होगा काफी अच्छे मार्क्स उनके आए होंगे। ओके बच्चों, तो अगले DTS के लिए भी प्रिपेयर रहें, और इसी तरह से DTS को, ये जो अपने DTS क्या सॉरी DCM को अच्छी प्रिपरेशन के साथ दें बच्चों, क्योंकि आपकी जो JEE की प्रिपरेशन है उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिकेट भी कर रहे हैं कि आपका JEE में जो फाइनल एडवांस का जो एग्जाम होगा उसमें आप किस तरह का परफॉर्म करेंगे। तो बच्चों इसी के साथ अपनी आज की इस क्लास को यहाँ खत्म करते हैं, नेक्स्ट DCM के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू वेरी मच।